तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमरजेंस ऑफ इंपेरिज्म इसके ऊपर बात करी थी इस टॉपिक पे बात की थी आज थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं जो मेन मेन चीजें मैं पॉइंट बता देता हूं क्योंकि अभी काम आने वाला है जब हम यूरोपियन पावर्स के बारे में बात करेंगे चाहे वो पुर्तगाल हो चाहे यूरोप ईस्ट इंडिया कंपनी हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा चीज रिवाइज हो जाएगा मेन मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊंगा सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑटोमेटिकली पहले से पता ही होंगे पहली चीज तो ये कि इंपेरियलिज्म क्या होता है

तो ये जो जगह है यहाँ पे क्यों एकदम से क्या होगी लाइन लग गई पुर्तगाल जो है आप पुर्तगाल ले लीजिए उसके बाद आप डेनिश ले लीजिए डच ले लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये जो सारी कंपनी है ये ये टोटल तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया फ्रेंच को तो कंपनी का दूसरा नाम था तो ये जो सारी कंट्रीज है ये एक के बाद एक के बाद क्यों आई तो उसका रीजन क्या था सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जो भी सोशो इकोनॉमिक चेंजेस यूरोप में वो ये सब पहले बात कर चुके हैं थोड़ा सा आपको बस ऊपर ऊपर दे रहा रहूँ तो पहला तो होता है फीडलिज्म फीडलिजम पता ही है कि नोबिलिटी जो होते हैं नोबिलिटी को बहुत बड़े तादाद में लैंड मिल जाता था वो बदले में मिलिट्री फोर्सेस प्रोवाइड करते थे गरीब किसान उसी नोबिलिटी की जो जमीन होती थी मतलब मैं मेहमान अगर मैं नोबल हूँ कोई तो अगर मैं नोबिलिटी है, है मेरे पास पोजिशन तो मैं कुछ गरीब किसानों को जमीन दे दूंगा वो कल्टिवेट करेंगे बदले में मैं उनको प्रोटेक्शन दूंगा जो भी कमाएंगे उसमें से मुझे मेरा शेयर दे देंगे दे। और मैं आगे इसी तरह से जो किंग होगा जो उसको आराम से अपना शेयर ट्रांसफर करूंगा प्रोसेस है किसान से नोबेल्टी नोबेल्टी से किंग तक मिलिट्री फोर्स बदले में मिली रही इंडिया में भी यही सिस्टम था औरंगजेब के टाइम याद करो फिर ब्लैक डेथ होती है ब्लैक डेथ की वजह से क्या होती है बहुत सारे लोग मारे जाते हैं एग्रीकल्चर लोग छोड़ देते हैं कल्टीवेट करना बंद कर देते हैं तो जो फ्यूडल लोड्स हैं उनकी जो इनकम है वो कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं पीजेंट को और टाइट कर देते हैं बारह घंटे के जो अठारह अठारह घंटे काम कर करते हैं पूरे की पूरी फसल ले लेते हैं लगान में उनको जो शेयर था वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है पीजेंट रिवोल्ट कर देते हैं तो रिवोल्ट की वजह से फाइनली ये होता है कि वेस्ट जो आपका यूरोप है वो तो सप्रेस नहीं कर पाते जो ईस्ट यूरोप है वो सप्रेस कर जाता सप्रेस करना उनका ड्रॉबैक हो जाता है क्योंकि वहाँ फ्यूडलिज्म बना रहता है लेकिन वेस्ट यूरोप के अंदर क्या होता है कि नेशन स्टेट बन के आ जाते हैं और फिर वहां पे ये जो चीजें हैं जो इनोवेशन है सब कुछ ईस्ट यूरोप के कंपेरिजन में ज्यादा होते हैं ये हम सब कुछ सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं नेक्स्ट जो वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप के अंदर कौन सी रिवर रिवर्स एल्बी ये एक चीज तो ये है फिर रिनेजोन्स और रिफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ाई था इसका बर्थ प्लेस क्या था इटली था रिनेजोन्स क्या होता है इनोवेशन इमेजिनेशन क्रिएटिविटी दियर आफ्टर जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन इसके लिए भी कई सारे फैक्टर रहे थे पहला फैक्टर था कि जो ट्रेड रूट थे उनके पर इटालियन और अरब मोनोपोली थी तो वहाँ पे इन लोगों को आसानी से परमिशन नहीं थी और जाना पड़ता था टैक्स चुकाना पड़ता था कोई भी सामान लेकर जाए पचास रुपये का पंद्रह बीस रुपये तो इनको दे दिया इंडिया में पहुंचेंगे तो खुद अपना प्रॉफिट भी निकालेंगे या कहीं भी किसी कंट्री में जाएंगे तो खुद का प्रॉफिट जो चीजें इतनी महंगी होती थी दूसरे कंट्री वाले उसको लेते नहीं थे तो प्रॉफिट इनको होनी रहा इनकी ट्रेड बढ़ नहीं रही तो एक तो ये रीजन था दूसरा राइज ऑफ द नेशन स्टेट मैंने आपको बता दिया फेडरिलजम में नेक्स्ट रेनेजोन रेनेजोन का बताया मैंने अभी दो मिनट पहले स्प्रिट ऑफ गॉड गोल्ड मतलब है कि जाइए ईसाई धर्म को आप जितने भी ज्यादा फैला सकते हो गोल्ड लेकर बदले में ये सब कुछ, तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से वो चरम सीमा पे पहुंचा इस डे कुछ पॉइंट है पहला बारियाज ये इसने क्या करा केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया अभी मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूंगा आपको केप ऑफ गुड होप को ठीक है तो ये एक बार देख लीजिए आप एक सेकेंड गूगल पे बना केप ऑफ स्ट्रोम दिया इंडिया तक पहुंचने का ओके, ये ये है ये आप देखोगे अफ्रीका है अफ्रीका महाद्वीप में ठीक है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल टिप पर है यहाँ इधर किसको कनेक्ट करता है यहाँ देखोगे तो ये है साउथ मतलब अटलांटिक ओशन है और इधर कौन सा ओशन है ये इंडियन ओशन है पूरा तो ये केप ऑफ गुड होप जो है केप ऑफ स्ट्रॉम पहले इसका नाम केप ऑफ स्ट्रॉम था याद रखिएगा जब बारोक डियाज ने इसको खोजा था बाद में इसका नाम चेंज करके दिया केप ऑफ होप इसलिए क्योंकि ये एक तरह से इंडिया को या इंडोनेशिया को कनेक्ट करने के लिए एक होप था यूरोपियन कंट्रीज के लिए तो ये जो तो बार्लोक डियाज है पहला बंदा था जो अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन तक पहुंचा मेरी बात तो समझिए दो बंदे का नाम बताऊंगा आपको एक तो वॉस्को डिगामा एक बार डियाज तो इसने क्या करा पहला बंदा जो अटलांटिक ओशन कहा से आया था पुर्तगाल से आया था कहां पुर्तगाली को तो यहां से होते हुए मतलब अटल ओशन से चलते चलते पूरा कवर करते करते ये सीधा यहां पहुंच गया कहां पर बिल्कुल इंडियन ओशन के टिप पर ही सो एक तो ये होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वो पहला बंदा कौन था जो एटलांटिक इंडियन ओशन तक पूछा डिया दूसरा इसी को आगे केप ऑफ गुडोस्ट केप ऑफ गुड होप या केप ऑफ स्ट्रोम से आगे कंटिन्यू किया किसने वॉस्को डिगामा वो कहां पहुंच गया कालीकट यहाँ इंडिया पे वो इंडिया पहुंच गया तो पहला वो बंदा कौन था जो सी रूट के थ्रू इंडिया पहुंचा वो था वास्को डिगामा तो ये छोटे चोड़ छोटे से पॉइंट है अभी हमारे आगे काम आएंगे वापस। तो कहा था मैं ये सब बोले हाँ तो बातलोडिया ने क्या खोजा केप केप ऑफ ऑफ भी बोलते हैं इसको गोडोफ नाम में बाद, बाद में नाम रखा गया सेकंड क्रिस्टोफर कोलम्बस इंडिया ढूंढने निकला अमेरिका ढूंढ दिया वास्को डिगामा इसने क्या किया भाई साहब ने कि इसने यूरोप से इंडिया पहुंचने का सी रूट खोजा और पहला बंदा था जो इंडिया में सी के थ्रू पहुंचा ठीक है सबसे इंपोर्टेंट बात मेरे को पहले बता दीजिए वापस गया तो जो भी कार्गो लेके गया उसकी जो कीमत थी उसके साथ सिक्सटी टाइम्स इसने जाके सोल्ड करा तो सोचो एक तरह से लोगों को तो इसने ना कि गोल्ड uh, की जो खदान वो दिखा दी खांस माइन्स दिखा दी इंडिया में कि वहां से लेके आओ सिक्सटी टाइम्स रेट पे ज्यादा जाके जा बेचो तो ये पूरा एक रीजन पूरा एक बैकअप तैयार हो रहा है जो मैं आज को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा बेस तैयार हो रहा है फिर मर्चेंट कैपिटलिज्म के बारे में बात कर ही चुके हैं ये सारे पॉइंट हमारे पहले हो चुके थे मुझे सिर्फ आपको ये यूरोपियन के बारे में बताना था अब आइए जरा हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो ऑफ़ तो में 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 पुर्तुगिज के बारे में फिर डच के बारे में फिर इंग्लिश के बारे में फिर डेंस के बारे में और फिर फ्रेंच के बारे में इन पांच लोगों के बारे में बात करनी है आज मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा लगभग मेरा लेक्चर तीन घंटे का राउंड करेगा रहेगा साढ़े बारह तक आपकी क्लास चलेगी चालीस चालीस मिनट के चार सेशन होंगे जो हमारा टाइम पीरियड के लिए तो आप देख लीजिए रोजाना इतना ही चलेगा मॉडर्न की, की क्लास रोजाना रात को नाइन पे ही होगी और मॉर्निंग में जो हमारे सेवन एम पे उसमें हमारा रिविजन की क्लास होगी तो आप अगर आज रात की क्लास नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं मॉर्निंग में आना आपका कंपलसरी है वो आप मिस नहीं कर सकते वरना अगले दिन रात की क्लास में आपको एंट्री नहीं दूंगा तो ध्यान रखिएगा तो नेक्स्ट है पुर्तगीज मतलब सबसे पहले हम पुर्गज के बारे में बात करते हैं उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं ये सारा वही बैकग्राउंड बताया जो भी मैंने आपको बताया कि अराइवल यूरोपियंस के बारे में वो सारा फ्यूडियम क्राइसिस इटली बर्थ ऑफ रिजॉन है ना अदर यूरोपियन कंट्री क्यों आए क्योंकि उनको इटालियन मोनोपली अरब मोनोपाल वो सब मैंने बैकग्राउंड आपको समझा दिया वही लिखा हुआ है यहाँ पे चलिए पुर्त, पुर्तगीज से स्टार्ट करते हैं तो पुर्तगीज में कहते हैं देखिए पुर्तगीज के बारे में एक चीज़ है ये पहले बंदे थे जो इंडिया में आए फोर्टीन में और सबसे लास्ट भी यही थे जो इंडिया से गए मतलब सबसे पहले भी यही आए सबसे लास्ट में भी ये गए पुर्तगीज़ पे कहा सबसे पहले ये इंडिया के अंदर किस जगह पे आए कलीकट के अंदर उसका देख लेंगे सबसे लास्ट में कैसे गए सबसे लास्ट में उसके बाद बैकग्राउंड समझ सुना गोवा दमन एंड दीव ये इनके कंट्रोल में थी इंडिया आजाद होने के बाद में भी मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद भी गोवा दमन एंड दीव इनके पास में था इंडिया ने कोशिश करी कि डिप्लोमेटिक तरीके से दे दे नहीं दिया सेन के अंदर दो दिन की लड़ाई हुई और इंडियन फोर्सेज ने इसको अपने कब्जे में ले लिया ठीक है 1961 में गोवा दमन हमारे कब्जे में फाइनली आपको पता ही होगा कि गोवा को 1967 में यूटी बना finally, दिया गया एंड फाइनली 1987 के पॉलिटिकल रहा है हमारा यूटी के अंदर ना तो अभी कुछ दिन पहले मैंने रिवीजन में, में करवाया था तो 1987 में गोवा को स्टेट बना दिया गया तो ये पहले बंदे थे जो इंडिया में आए और सबसे लास्ट थे जो इंडिया से थे पुर्तुग के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है चलो तो फर्स्ट वन टू तो अराइव ऑन द इंडियन सीन पहले थे और यार यहीं पर एक पॉइंट एड कर देंगे आखिरी भी यही थे 1961 में गए गोवा दमन दीव को भगाया हम लोगों ने इसको भाग नहीं देते ठीक है तो कौन आया सबसे पहले वॉस्को डिगामाइन एट के अंदर क्यों आया इंडिया में इसके आने के रीजन थे क्योंकि ये एक तो देखो पैसा पैसा तो था इन लोगों को ट्रेड के लिए दूसरा क्रिश्चन मतलब तो जो था ईसाई धर्म को फैलाने के लिए तो क्रिस्टी को फैलाने के लिए भी आया था इकोनॉमिकल भी रीजन था रिलीजियस भी रीजन था कम टू सिक स्पीसीज स्पेशल पेपर पेपर के लिए एक्चुअली इनका ये, था कि जो इंडोनेशियन आइलैंड जो स्पाइस आइलैंड है वहां पेपर बहुत अच्छा होता है अब इंडियन का जो क्लाइमेट है वो भी काफी हद तक सपोर्ट करता है इसको पेपर्स की जो जो आप बहुत सारे खेती या पेपर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग उसको तो इनका मेन इंटरेस्ट हमेशा से पेपर काली मिर्च बोलते हैं ठीक है थीके? तो काली मिर्च ये क्योंकि वहाँ आप जाओगे जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो वहाँ सर्दियां बहुत पड़ती हैं तो वहां ये जो चीज जो जितनी भी हमारी स्पाइसिस होती है इनका वो लोग इस्तेमाल करते हैं विंटर सीजन के अंदर काफी ज्यादा जो जो गर्मी बनाए रखने के लिए जो भी बोलते हैं हर चीजें होती है सूप वगैरह जो होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं और भी काफी सारी चीज़ें आपने देखा होगा ब्लैक पेपर के बताते हैं क्या, क्या क्या बनाते रहते हूँ वो तो मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता तो, हूँ अनाप शनाब छत्ती चर की चीजें वो लोग चलता रहता है तो ये बहुत पहले से इन लोगों को शौक इन चीजों का हम इंडियंस का पेपर हम लोग तो ज्यादा बस चिकन वगेन मटन वगैरह में डालते हैं बाकी तो इंडियंस को तो मतलब नहीं हम तो मिर्चिया घूसते हैं लाल मिर्ची लाल मिर्ची खाओ और खुश रहो चलिए तो ये तो छोटी सी मैंने आपको बताया कि कैसे अभी वॉस्को डिगामा इंडिया में आया है ठीक है आगे बात करते हैं तो प्रियो टू दोर्टुगीज ट्रेड इन इंडिया ओशन वॉज ए मोनीपोली ऑफ अरब मर्चेंट बट विद इन फिफ्टीन ईयर दे स्टेबलाइज देयर कंट्रोल ओवर दस्टर्न इस्ट्रें ट्रेड ईस्टर्न ट्रेड का मतलब समझ रहा हूँ इंडिया को ईस्ट और वेस्ट पोर्शन डिवाइड आप समझेंगे मैं समझाएंगे बात करो खैर इंडिया के ईस्ट और वेस्ट नहीं ये पूरा ईस्टर्न का मतलब क्या है आप अगर आप पूरा ये जो एशियन कॉन्टिनेंट देखेंगे तो एशियन कॉन्टिनेंट में अभी आप आपको तो पता दो मिनट जो पॉइंट बता रहे हैं तो दो समझ कि इनका आओ्जा कहां, कहां पे होगा मलाया स्टेट ले लीजिए हरमोज स्टेट ले लीजिए या ईडन स्टेट ले लीजिए अभी आने वाला उस पर थोड़ी देर में आप समझ आएंगे इन्होंने कितना कब्जा पर उससे पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं वॉस्को डिगामा से थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले एक बंदा था प्रिंस हैरी द नेविगेटर इसका नाम नेविगेटर किया क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्शेस था इस आईडिस को इंडिया खोजाना कैसे भी करके पूरी जिंदगी इंडिया खोजता रहा इसको इंडिया कभी नहीं मिला एंड फाइनली बिना इंडिया खोजे ही ऊपर वाले के पास पहुंच गया तो ये अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाया तो इतना सा ध्यान रखेगा कि द नेविगेटर किसको बोला जाता है आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा आपको इतना याद रखना है कि द नेविगेटर टैग किसके लिए था प्रिंस हैरी के लिए उसको किस चीज से ऑप्शन था इंडिया के थ्रू इंडिया का एक सी मतलब सी रूट खोजना था उसको इंडिया तक पहुंचने का लैंड रूट तो मौजूद था ऐसी बात लैंड रूट तो बट लैंड रूट में कब्जा किसका है भाई इंडिया का अगर मैं बाब गौर से देखोगे आपको बहुत अच्छे से पता है। इंडिया के मैं तो पता ही होगा सब लोगों के देखो इंडिया से यूरोपियन नेशन पहुंचने का रास्ता क्या है ये, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है यहाँ से ईरान होते हुए मतलब वही अरब कंट्रीज के थ्रू अरब के जो या, या, या जो मोनोपोली चली अफगान रूरल उनके थ्रू ये आसानी से जानते हैं टैक्स लेंगे अच्छा खासा दूसरा तो लैंड रूट के थ्रू आना फिर दूसरा यहाँ पे जो टेरेन है अफगानिस्तान का वो भी सपोर्ट नहीं करता तो कई सारी चीज प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस समय कोई रोड तो होती नहीं थी कि चलो अपने मर्सिडीज उठाई और फटाफट पांच घंटे के अंदर इंडिया पहुंच गए ठीक है तो ये एक अच्छा ना बट उनको ये था कि किसी तरह से अब देखो अब आप सोच रहे हो सर इतना मुश्किल थोड़ी है आ जाओ भाई आज आपके पास गूगल अर्थ है वेदर मैं चेक करवाऊँ क्या है। पहले थोड़ी लोगों को पता था कि, कि वो अगर वो निकल जाते थे ना कि रास्ते में समझते उनको ये नहीं पता था आगे जाके कहा खत्म होगा तो अभी आप वॉस्को डे मांगा रूट देखो तो मैं बताऊंगा कि इसने इस बहुत अजीब वरीब रूट फॉलो करा उसके पीछे रीजन यही था कि थोड़ी देर चलते फिर वो घबरा जाते कि पता नहीं हम कहां पहुंच जाएंगे फिर वापस हो लेते फिर चलते फिर वापस हो लेते

फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रीच द इंडियन ओशन फ्रॉम द अटलांटिक ओशन मैंने बताया था आपको अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन यार इंडियन ओशन के बारे में बात करो इंडियन के बारे में बात करा इंडिया पे आने वाला तो वास्को डिगमा होने वाला है इंडियन ओशन तक पहुंचा बट वहीं पर रुक गया पुर्तुगीज लेटर रीनेम द केप एज केप ऑफ द गुड हो एज इट रिप्रेजेंट द ओपनिंग ऑफ द न्यू रूट टू द ईस्ट पूरी ईस्ट के साइड में चाहो ईस्ट इंडीज बेसिकली इंडिया इंडोनेशिया इनको ईस्ट इंडीज बोला जाता था ठीक है कंप्लीट पूरे को रेफरेंस के लिए ईस्ट इंडीज बोलते थे

केप ऑफ दुड हो देखो मैं पहले सी रूट दिखाता हूँ ये यहां से होते चले अपना जो रूट था यहाँ से ठीक है ये आए ऐसे होते मैं थोड़ा बीच में पुर्तगाल से चले फिर केप ऑफ गुड होप आए फिर थोड़ा चले आगे फिर घबरा गए फिर पीछे लिए चलो वापस फिर थोड़ा सा बढ़े फिर घबराए फिर पीछू लिए फिर बढ़े ज्यादा दूर क्योंकि उनको पता नहीं आगे कहां तक सी है इनको लगा भैया खत्म होगी कहानी हमारी तो फिर यहीं से वापस हो लेते थोड़ा इस तरह जाते थोड़ा आगे बचे और फाइनली इस तरह घूमते फिरते बीच में मम्बास मैलिन तक पहुंचे पोर्ट पर पहुंचे वहां रुके और वहां से इन्होंने सेम्बी जब हमारी हिम्मत लेकर ऊपर वाले का नाम लेके चलो भैया पहुंच जाओ फाइनली कलिकेट पहुंच गई तो ये कंप्लीट रूट था जो मैंने सिर्फ आपको समझा कोई लॉजिक नहीं है इसका इसका कहीं कुछ कोई में मेंस पर इसका कोई में इसका पर इस्तेमाल भी नहीं होने वाला बताया कि किस तरह से ये लोग रूट का इस्तेमाल थोड़े चलते कुछ चलते चलते समुद्र खत्म ही नहीं हो रहा है एंडिंग नहीं हो रहा है सी तो वापस हो जाएगी हमारे फिर चलते फिर वापस क्योंकि दूसरी बात ये भी है ना आज के जो सिर्फ देखोगे उनके पास आप देखोगे कि हम एडवांस में ही बहुत सारा जो ऑयल वगैरह है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बट पहले ऐसा नहीं था कि आप इतना ज्यादा उनके अंदर जो फ्यूल व किसी भी तरह का जो जो भी ऑयल इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल करके आप इन आगे पहुंच जाओ तो लिमिटेड क्वांटिटी में इनके पास होता था तो ये पहले ही पूरा कैलकुलेट करके चलते थे कि कितना दूर हम आगे कि अब अगर हम यहाँ से वापस हो ले तो क्या हमें वापस पहुंच सकते हैं फिफ्टी तो परसेंट जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता था तो वहीं से वापस हो लेते ये फिक्स सिस्टम होता था सभी का फिफ्टी परसेंट में पहुंच गए तो पहुंच गए ठीक है तो ये वॉस्को डि डिगाम बात रही पहला पॉइंट ये कि जिस शिप से आए थे उसके जो पायलट थे उनका नाम था अब्दुल मजीद दूसरी बात ये कहां पहुंचे

और धीरे धीरे करके अभी तो सिर्फ पुर्तगाल आया है अभी पुर्तगाल के बाद कौन आएगा इंग्लिश भी आएंगे डच भी आएंगे बहुत कुछ आने वाले हैं पहले डच आएंगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी फिर डेनिश आएंगे फिर फ्रेंच आएंगे सिक्वेंस मैं आपको बता चुका हूँ सिक्वेंस जरूर याद रखिए सिक्वेंस मत भूलिएगा दोबारा देखो ये सिक्वेंस प्लस ये डेट ये अभी रट जाओ यहीं पर क्लास के अंदर ही रट जाओ पुर्तुग का भाई फोर्टीन में डच का भाई फिफ्टीन में इंग्लिश का भाई सिक्सटीन में मैंने पिछले वाले नोट्स में इसमें थोड़ा काफी कुछ जो चीजें गलत थी वो अपडेट भी कराए डेनिस का के अंदर फ्रेंच सिक्सटीन सिक्सटी फोर में तो ये अभी याद कर लो चाहो तो आपने अच्छा एक काम और क्या करो आप लोग वैसे बहुत सारे लोग तो क्लास लेने बैठते हैं तो सिंपल ऐसे आते हैं बट मेरा एक सजेशन है आप लोग जब भी आप क्लास लेने के लिए बैठे ये नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही हूँ प्लस इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा मैंने शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर दिए आज से मैं यही काम कर रहा था बैठे के कि कैसे भी करके आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो मैंने इसके फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों बना दिए ठीक है शॉर्ट नोट मैंने इस पेपर बनाए इस तरह के पेपर बनाए व्हाइट पेपर पे तो वो भी मैंने रेडी कर रखे हैं लेकिन आप अपने एंड से जब पढ़ें तो थोड़ा क्लास का माहौल बनाए रखने के लिए बिस्तर में घुस के ना पढ़ें एक कॉपी पेन ले लो ठीक है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है ये काम का है तो लिख लो ठीक है तो उससे थोड़ा सा आपके क्लास में एक होता है एक्टिवनेस आपकी बनी रहेगी बाकी तो अगर मैं कितने बोलूं कि मुझे देख तो आपको पा नहीं रहा हूँ वीडियो आपने बंद कर रखे तो कैसे पता चलेगा चलो आगे चलते हैं चीजें लिंक करना थोड़ी आसानी रहेगी हाँ ठीक है हाँ नोट करके लिखे नोट कर लिखना मैं बता तो है जो मायर, ऐसे करके के फोर आर्मडर्स आर्मडर्स क्या होता है बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा वॉरशिप होती है ना जो अपने जहाज नेवी के जहाज जहाजे कई हजारों की तादाद में जाते हैं तो उनको बोलते हैं आर्मडर्स ठीक है आर्म तो टोटल मिला के अभी जो हमें याद हमें जो हमारे काम के ऐसे तो बहुत सारे हैं के मेन स्टार्टिंग है फोर इंपॉर्टेंट है उस फोर में से फर्स्ट एंड फोर्थ जो पूरे वॉरशिप को लीड करके आया था जो आमडास आए थे उनको कौन ले कर आया था वॉस्को डिगमा

किसने भेजा था किंग मैनुअल वन जो पुर्तुगल के किंग थे उनका नाम था किंग मैनुअल वन कहा जो आया था कलिकट पे आया होगा तो हो उस समय वहां भी तो कोई किंग रहा होगा इंडिया का बिल्कुल उसका नाम क्या था मन्ना विक्रमा तो ये दोनों किंग के नाम भी आप थोड़े थोड़े से याद रख लीजिएगा किंग मैनुअल वन मन्ना विक्रम ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मैंने शॉर्ट नोट्स में भी इंक्लूड नहीं करा क्योंकि मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं शॉर्ट नोट्स में जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने स्पेसिफिक से स्पेसिफिक को यूज किया है ठीक है

सेकेंड में आया बट ये सारा जो पुर्तुग की जो रिस्पेक्ट मतलब पूरा गड़बड़ करके चला गया अब गड़बड़ क्या करी कि कुछ लोकल जो अरब मर्चेंट थे उन्होंने पुर्तुग की जो फैक्ट्री थी उन पर अटैक करके पचास लोगों को मार दिया तो बदले में इस भाई साहब ने क्या करा कि दस जो बड़े बड़े शिप थे पुर्तुग के उनको पकड़ा और छह से ज्यादा अरब मर्चेंट को उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सबको मार दिया और उनके शिप को जला दिया तो इससे काफी ज्यादा एक नेगेटिव एक था क्रिएट हुआ पुर्तुगज के लिए तो फिर इसको वापस बुला लिया गया फिर अगेन वापस हमारे जो वास्को डिगामा को फोर्थ में भेजा गया ताकि थोड़ा बहुत आगे जो माहौल इसने खराब किया ठीक है देखिए इसके बाद एक और आया एक और चौथे नंबर पर वॉस्को डीगाम वापस आया और वॉस्को डिगाम में वापस आगे चीजें थोड़ी ठीक करी क्या करा वॉस्को डिगामा फोर्थ पुर्तुगज इंडियन आमरे ले आया फिफ्टीन जीरो टू के अंदर चीजें थोड़ी इसने सिस्टमेटिक करी लोगों से बात करी जो भी चीज में नेगेटिव माहौल था उसको ठीक किया और पहली पुर्तुग्ज फैक्ट्री डाली कहां पे कोचीन में या कोची कोचीन या कोची में फिफ्टीन जीरो थ्री में अभी इंपोर्ट है यूपीएससी में कई सारे क्वेश्चन आ रखे हैं फर्स्ट फैक्ट्री कहां डाली ये फैक्ट्री कहां डाली सेकंड फैक्ट्री कहां डाली कन्नूर 1505 के अंदर ऑफिशियल फैक्ट्री ऐसे नहीं कि आपने लगा गोदाम बना के दी ट्रेडिंग पॉइंट नहीं फैक्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं जहां माल जो है ये जो 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 भी भी इनके मैन्युफैक्चरिंग वो स्टार्ट करते हैं हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में फैक्ट्री का पर्स माल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं रहेगा ट्रेडिंग पॉइंट की तरह काम करेंगे उसमें भी बात करूंगा फिलहाल आपके लिए काम क्या होगा पहली फैक्ट्री कहां डाली कोचिन में दूसरी फैक्ट्री कहां डाली कन्नूर के अंदर दो पॉइंट आपके लिए प्रेजेंस के साथ इम्पोर्टेंट कब डाली फिफ्टीन जीरो थ्री में अगली उसके दो साल के बाद फिफ्टीन जीरो फाइव में

इनका क्या इंटरेस्ट था मैंने बताया ना पे, पेपर या सिनेमन ये दो ही चीज इनके मेन इंटरेस्ट में थी पहले भी बारे में बात कर चुका हूँ पेपर ले लीजिए साथ में सिनेमन सिनेमन का मतलब था दालचीनी दालचीनी कभी अपने चाय में डाल के पिए पी पीजिएगा कभी दालचीनी को चाय में डालिएगा बहुत ही बेहूदा बनती है ठीक है तो मत पीना बहुत बेकार लगती है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ पुर्तुग स्टेट ऑफ इंडिया

यूरोपियन कंट्री कौन थी जो इंडिया में पुर्तगीज लास्ट कौन थी जो इंडिया से गई पुर्तगीज अच्छा पहला बंदा कौन था जो ओशन ओशन से इंडियन तक आया मतलब केप ऑफ गुड पहला बंदा कौन था जो यूरोपियन नेशन से इंडिया तक पहुंचा सी रूट के थ्रू वास्को वास्कोडिगामा अच्छा नेविगेटर का टैग किसको मिला था प्रिंस हेनरी को किससे ऑप्शेस उप, था इंडिया खोजना था इंडिया के लिए सी रूट खोजना था उसको बोलो जैसे बारे में बात कर आपको वास्को ने बात कर ली अच्छा वॉस्को डिगाम जब इंडिया में आया तो

1503 के अंदर पहली फैक्ट्री का डाली कोचिन में दूसरी फैक्ट्री का डाली दो साल के बाद के अंदर। इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट भी थे जैसे कोचिन कन्नर दो तो आई है बेचना तो 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 होगा इसके अलावा कैलिकट जहां वो आए थे याद करिए आए थे कोजी -कोड़े, और दूसरा कोलम तो चारों पॉइंट को देअर आफ्टर किस में इंटरेस्ट था उनका पेपर में और सिनेमन में तो ये अभी तक तो बात हुई पुर्तुग के बारे में जल्दी से मुझे बताओ यहां तक का क्लियर है कमेंट सेक्शन में सभी को याद हो गया तो अब बात करता तो मतलब है, इसका मतलब है तो ये जो बनाएगा, जितनी भी उनकी कॉलोनीज थी जो फोर्टी जो किले थे उनके जो गवर्निंग बॉडी थी उसका नाम था पुर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया दूसरा क्यों बनाएगी क्योंकि पुर्तुगीज अब सिर्फ है ना ट्रेड नहीं करना चाहते थे वो एक क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन पुर्तुगीज स्टेट स्टेबलाइज करना चाहते थे

ठीक तो एक ये प्रॉब्लम भी थी मतलब तो एक ये ये मकसद भी था इनका सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो फंक्शन करती थी अंडर वॉइस राय एक वॉइस राय इनके ऊपर होता था अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन आराम से फ्रेम हो जाता है पुर्तुग स्टेट ऑफ इंडिया के जो हेड थे वो कौन हो सकते थे ऑप्शन आएगा वॉइस राय या कुछ और चार और कुछ भी आपको डायरेक्टर जनरल है कुछ भी कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर कुछ राय चार ऑप्शन तो वॉइस रॉय के अंडर में ये हमेशा काम करना है इसको तो यहां तक हो गया तो अब डिफरेंट डिफरेंट वॉइस रॉय बनेंगे वो अपनी अपनी अलग अलग तरह की पॉलिसी बनाएंगे ठीक है उसके अकॉर्डिंगली वो इंडिया में उनका काम होगा तो तीन वॉर्स हमको पढ़ने हैं पहली है मैदा दूसरा कुरकुरे और तीसरा मेरे को कोनी खानी ऐसे मतलब कुछ टाइप से समझ लो आप कि पहला तो मैदा है मैदे के बनेंगे कुरकुरे ठीक है और कुरकुरे से बनेगा कुन्ना मेरे को कुन्नी खानी जो भी समझ जाओ समझ ठीक है तो इस तरह से नीनो डी कुन्ना अजीब नाम है इनके तो तीनों सिंपली आपको याद रहेंगी चीजें ठीक है तो फर्स्ट वन इज दी मैदा फ्रांसिस्को डी अलमेदा ठीक है अलमीदा वैसे तो कुछ और होगा मैं Almeda बोल रहा इसको ओके okay. तो क्या था ही? पहला इंडिया में कौन था मैदा भाई साहब ठीक है प्लस ब्लू वाटर पॉलिसी स्टेबलाइज कर इंडिया पर क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी कि ये चाहता था किसी भी तरह पुर्तुगीज की जो नेवल सुप्रीमेसी है वो इंडिया के जो ओशियंस में स्टेबलाइज हो जाए मतलब पूरे जो लैंड वैंड गैप तेल लेने मुगल को जमीन पर ना मुगल की एक प्रॉब्लम भी थी मुगलों ने कभी सी रूट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया वो हमेशा लैंड पे ही खुश रहे तो सी रूट उन्होंने अकेला छोड़ दिया तो सी रूट इनके लिए कब्जा करना भी इनके लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कब्जा करना बड़ा आसान है आसानी से उन्होंने कब्जा कर भी लिया तो इसने अडोप्ट करी ब्लू वाटर पॉलिसी जिसका मकसद था कि नेवल सुप्रीमेसी स्टेबलाइज करी जाए इंडिया के सी रूट जो जितने भी सी रूट है उनके ऊपर तो ये दो पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गए तीसरा फोर्ट अजिंदीवा स्टेबलाइज करा इसने बनाया ठीक है गूगल मैप आप चेक मैं बार बार मैप दिखाऊंगा तो मुझे वापस उठा के फ्रंट पेज पर फेंक देगा तो आप ये जो लोकेशन है ये क्लास खत्म होने के बाद जो गूगल दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी बता दिया मैंने तीसरा फोर्ट अंजीव देवा ठीक है ये तीन पॉइंट और चौथा है बैटल ऑफ दियू तो बैटल ऑफ दू इसने जीत ली लेकिन बैटल ऑफ दियू ने अपने बेटे को खो दिया बेटा मारा गया इसका अभी बेटोल में क्या था कि जॉइंट नेवल फोर्सेस आई कौन कौन सी गुजराती सल्तनत की जो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी आपने बताया मेन पावरफुल तो मुगल थे अब मुगल का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जो करना करना सी रूट पे तो तो फिर सी रूट को बचाने के लिए कौन आया तो गुजराती सल्तनत थी एक थी मेमलुक इजिप फ्लीट तो ये दोनों कंबाइन होकर लड़ी पुर्तुगीज के खिलाफ एंड पुर्तुग ने आसानी से इनको हरा दिया कहाँ पर लोकेशन भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं चाहुल और डबुल ये दो लोकेशन पे है तो ईजिली ये लोगों को हरा दिया बट हाँ इसमें अल्मेदा का जो सन है वो मारा जाता है बट कुछ फर्क नहीं पड़ता पुर्तगीज़ इसको आसानी से जीत लेता है तो ये थी इसके बारे में चार पॉइंट फर्स्ट वॉइस के बारे में चार पॉइंट चार पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पहला के अंदर मेला दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट ऑफ दू फीन जीरो एट के अंदर गई डेट आप देख लीजिएगा अब आता है नेक्स्ट वॉइस है जो भी आप जैसे प्रोनाउंस करा ये था रियल फाउंडर ऑफ पुर्तुगीज पावर इंडिया

तो गोवा का ऐसा बेस इन्होंने इंडिया के अंदर यूज करना स्टार्ट किया यही रीजन था कि दमन गोवा लास्ट वन तक इनके पास में क्योंकि गोवा एक तरह से आप कभी आप गोवा में जाओगे अभी भी आपको अंदर गोवा के अंदर पुर्तुग जो आर्किटेक्ट है या पुर्तगीज जो, जो है ना कल्चर वो आपको अभी भी नजर आएगा इसलिए तो बोलते हैं कि इंडिया से थोड़ा बाहर लगता है लगता है नहीं आप इंडिया में गोवा जाओगे गोवा गए होंगे आप कई लोग पता होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ और कई लोगों को सपना ही होगा कि गोवा जाएंगे आज तक अभी जा ही नहीं पाए फाइनल जाते लॉकडाउन में तुम्हारे सपने पर पानी फिर दिया चलो अगला तो इसके अलावा पुर्तगीज ने इसी के टाइम में अलबू कुरकुरी के टाइम पे कई जगह अपना डोमिनेंस बनाया तो हरमोज हरमोज मलक्का स्पाइस आइलैंड एंड गल्फ ऑफ एडन अब ये सारे आप लोकेशन मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में पूरा गूगल मैप पे दिखा चुका हूं बट मुझे लगता है कि मुझे शायद एक बार और दिखा देना चाहिए मैं दोबारा बाहर बाहर फेंकेगा क्योंकि मेरा टाइम तो ऐसे ही गया फेंकने दो बाहर तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडन गल्फ ऑफ एडन आपको दिखाता हूं कि क्यों ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ एडन देखो ये इनके कब्जे में रहेगा और बहुत पावरफुल क्यू रहे ये ये देखो ध्यान से ये गल्फा बैटर अब ये कहां पर है खोलो जरा ध्यान से मैं जरा थोड़ा इसको ये देखो समझ में आ गए ये देख लीजिए मतलब कि भाई साहब अगर ये जगह कब्जा करके बैठे ना तो जो भी कंट्री इन कंट्रियों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं सी रूट के थ्रू कौन सी कंट्री ये जो अंदर इसके अंदर फंसी पड़ी है इन सब के अंदर जाना चाहता है सी रूट ये सारी कंट्री जो अंदर इसके अंदर है ठीक है इजिप्ट हो गया इटिगिया हो गया जिबूती हो गया ठीक है ये या फिर यहां से कोई कंट्री अगर इंडिया की तरफ जाना जाती है तो पुर्तुग की परमिशन तो बहुत जरूरी है मैंने पुर्तगेज को जाना ही देंगे तो एक तो एड एन पर कब्जा है प्लस गल्फ ऑफ हरमोज दिखाता हूँ ये रहा ये इधर वाला ये देखो ये हरमूज है ठीक है तो गल्फ हरमोज ये वाला सऊदी अरब ये, ये वाला ये जो टिप्पे देखा लगा रहा है आपको ये दो यू ए के बिल्कुल टिप पे ये छोटा सा टिप नजर आप चेक कर लेना ये हरमोज तो यहाँ पे हो गया प्लस मलाय स्ट्रेट ये रहा है यहाँ पे इधर आ जी ये रहा यहाँ पे स्ट्रेट मलाये साइड में इंडोनेशिया है ही यहाँ पे तो ये पूरे पे इन्होंने कब्जा कर चारों तरफ घेरा इंडिया को कोई भी आएगा जाएगा जो भी मेन ट्रेडिंग सेंटर है जो मेन ट्रेडिंग पॉइंट है सब पे इनका कब्जा है तो इसलिए ये इस ड्यूरेशन में बहुत और अभी तो बाकी जो यूरोपियन पावर है वो अभी सोच नहीं बनाने का वो अभी इनको देखेंगे भैया कैसे पुर्तुगीज वहां से एक रुपये की चीज ला के साठ रुपये का बेचना है तो अब धीरे धीरे वो लोग लो भी आना स्टार्ट होंगे डच आएंगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और उसके बाद इन लोगों में आपस में ही पंगा होना स्टार्ट हो जाएगा अभी फिलहाल लगभग सौ साल तक का ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट कोई भी टच करने नहीं आया बड़ा, उसके बाद अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां तक यहां तक बात कर ली कि हरमोस मलक्का मलक्का स्टेट जो है मलक्का स्टेट आप गूगल अर्थ पर कर मलक्का स्टेट स्पाइस ये चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल है अभी याद कर लो बात का चक्कर ही खत्म करो हरमोस गल्फ ऑफ एडन ठीक है मलक्का स्ट्रेट स्पाइस आयलैन अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान से नोटिस करोगे एक चीज मैंने यहाँ पे ये दो स्टार बना रखे देखो ध्यान से दो स्टार बनाए हुए हैं दिखा अभी दो स्टार क्यों बना रखे मैंने मैं, आगें आगें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मलक्का से और स्पाइस आइलैंड से डच जो आएंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो इनको धक्के मार के भगाएगी मतलब अभी तो इनका कब्जा है बट जैसे डच आएंगे वो इन दो जगह से इनको भगा देंगे ठीक है तो दो जगह से डच इनको निकाल देंगे बाकी जगह से अपना कब्जा खुद ही छोड़ देंगे ठीक है जब पावर वीक होगी अपना आप छोड़ना पड़ेगा मजबूरी मार के बट यहाँ हमें हमारे काम का क्या है हमारे काम का डच है इंग्लिश है ब्रिटिश और फ्रेंच है और डेनिश है तो डच यहाँ इन दोनों जगह से निकाल के अपना खुद का बेस स्टेबलाइज कर लेंगे इंडोनेशिया के अंदर भी और मलेशिया कभी कोई इंडोनेशिया जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा मोस्टली जो कल्चर है वो डच को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है तो क्योंकि काफी लंबे टाइम तक डच ने अपना बेस बना कर रखा वहां पर दूसरा अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में इनके और ट्रेडिंग सेंटर कहाँ इन्होंने स्टेबलाइज करे की बंगाल में दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बनाए हुगली और बालासोर ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो बंगाल आपको पता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाएगा आने वाले टाइम में जब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बेस यहाँ बनाएगी तो हुगली और बालासोर दो जगह ये भी आपको याद रखना है सेकेंड चीज़ भाई साहब ने बोला अपने जितने भी मेल वर्कर्स थे कि जाइए इंडियन फीमेल के साथ शादी करो बच्चे पैदा करो ठीक है ताकि वो जो बच्चे हो वो हमारे वफादार है तो क्रिस्टी मतलब क्रिश्चियन धर्म को फैलाएं तो ये इन्होंने यहाँ पे प्रोपोगेट करना चालू करा तो काफी सक्सेसफुल भी रहे इनिशियली उसमें सती अबोलिश कर दी ये एक इनका एक सोशल रिफॉर्म था तो ये हमारे कुरकुरी भाई साहब के बारे में कुछ दो चार से पॉइंट हो गए मैं जरा पॉइंट दोबारा आपको रियल फाउंडर यही थे बताया कोचिनका हेडक्वार्टर था कोचिन इनका हेडक्वार्टर कुरकुरे का कोचिन में हेडक्वार्टर पहले दीव कॉन्गर करा फिर गोवा और गोवा में इन्होंने परमानेंट बेस बना लिया अपना पूरा तो पहला जो इस मैं बोलें इंडिया के अंदर जो तो पहला बेस था वो कहा था यार होगा इनका गोवा के अंदर प्लस इनका अगर वर्ल्ड मैप पे बात बा तो कहां का कब्जा था है हरमोज मल्क्का स्पाइस आइलैंड और गल्फ ऑफ ईडन जहां दो जगह से इनको डच धक्के मार के निकाल देंगे कहां से मलक्का से और स्पाइस आइलैंड से हुगली और बालासोर ये दो सेंटर थे ट्रेडिंग सेंटर थे कहां पे कहा फैक्ट्री नहीं बोल रहा मैं ट्रेडिंग सेंटर बोल रहा हूँ ट्रेडिंग सेंटर का मतलब क्या है सामान बेचना करना जो आपने देखा होगा सरोजनी बाजार जैसा जो कुछ दिल्ली में जैसे कुछ लगता है पता ही होगा किसको दिल्ली में रहा होगा कभी कुछ इस तरह का कुछ ट्रेडिंग सेंटर या कुछ भी आप मान लीजिए सब्जी मंडी मान लीजिए एपीएमसी चल रहा मुद्दा एपीएमसी बोलना भी ठीक रहेगा ठीक है तो इस तरह का कुछ ट्रेडिंग सेंटर समझ लो So, तो बाकी अपने शादी वालों सब अब आता है लास्ट में निन्नो डी कुन्ना अजीब नाम है कुन्ना ठीक है तो इतना तो 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 छोटा करते वो वाला प्यारा सा नाम है ठीक है तो अब क्या है इसके बारे में कि ये भाई साहब ने सबसे पहला तो ये कि अपना हेड ऑफिस कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दिया और गोवा को ही ऑफिशियल कैपिटल बोल दिया इसने बोला कि सारा बेस ही गोवा में सब कुछ गोवा में तो कोचिन बे मतलब हेडकोटर बना के बैठो तुम यार कुछ पंगा हो गया तो वहाँ पे आर्मी तो काम करो गोवा ही आ जाओ तो इस वॉइस ने सारा सिस्टम ही गोवा में स्टेबलाइज कर दिया फाइनली इनका गोवा ही सब कुछ हो जाएगा तो ये ध्यान रखिए कुन्ना जी ने गोवा के अंदर ही सब कुछ कर दिया बस याद है बस यहाँ तक बात है इसमें और ये दूसरे रीजन है कि सक्सेसफुल होते भी रहे क्योंकि मुगल के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी तो थी नहीं तो उनको अब तक कोई मुगल कुछ फर्क भी नहीं पड़ता अगर आप नेवल बेस्ट बनाए तो बना दो यही रीजन था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो वो सी रूट के थ्रू आई तो मुगल को उनको खतरा नजर नहीं आया ठीक है उनको चलो कोई दिक्कत नहीं आपको जो करना करते हैं हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता पर हमें तो प्रॉफिट होना चाहिए कैसे करके उनके गोल्ड के कोई मिलते गए वो उनको ट्रेडिंग राइट देते गए और फाइनली वो बाद में आगे गली खड्डी बनना चालू होगा बाद के जो मुगल जो राजा होंगे लेटर मुगल्स होंगे वो बहुत वीक होंगे वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो जाएगी छोटे मोटे राजा रहेंगे साउथ में उनको आसानी से निपटा देगी सबसे बड़ी जो मुर्गी जो था मुर्गी थी मुगल वो कुछ कर ही नहीं रहे तो उनको डर ही नहीं किसी चीज का अब एक कार्डजी सिस्टम है अभी कार्डजी सिस्टम क्या है कि उन्होंने एक, एक सिस्टम कर दिया पुर्तगीज ने अपना बेस तो बना दिया गोवा में और वहां से बोल दिया कि भैया देखो ऐसा है कि ये फला 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 जगह मलक्का आइलैंड ये तो हमारे लिए रिजर्व है तो ये पोर्ट तो हमारे लिए रिजर्व है यहाँ तो तुम जा ही नहीं सकते अच्छा ये कुछ पोर्ट है जो हमारे लिए रिजर्व नहीं है जो हमने रिजर्व नहीं करके वहां तुम जा सकते हो लेकिन तुमको हमसे पास लेना पड़ेगा पास के बदले में पैसा देना पड़ेगा अगर तुम बिना पास ले उस पोर्ट पर पहुंच गए तो तुम्हारी शिप को हम सीज कर लेंगे तुमको जेल में डाल देंगे तो ये था कार्डेज सिस्टम ठीक है तो सिस्टम है कुछ जगह तो पहले भाई साहब ने खुद के लिए रिजर्व कर ली बट जो जगह खुद के लिए रिजर्व नहीं थी अगर वहां किसी इंडियन शिप को जाना होगा तो इनसे पास लेना पड़ेगा मतलब इनको पैसे देने पड़ेंगे पास के बदले में और अगर ऐसा नहीं करोगे तो उनके शिप को ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे फिर आता है रीजन फॉर द डिक्लाइन अब आप बता कि ये भाई ठीक है इतने पावरफुल थे में आ गए थे में डच आए सबसे पहले डच आए मतलब इनके बाद डे घूम फिर देखे के में कब्जा तो 104 सा, 104 so, uh, ने ने करा उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि दूसरी कंपनियां स्टेबलाइज होने लगी अब ये जो पॉइंट है ये हमारे मेन्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको अगर इसको याद रखना है तो मैं पॉइंट लिख भी देता हूँ ये हमारे मेन्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है पुर्तुग के डिक्लाइन के पीछे रीजन क्या थे तो आई देते हैं तो पहला रीजन है कि अल्बु कुरकुरी के बाद में जितने भी एडमिनिस्ट्रेट है वो कुन्ना फुन्ना भी है वो भी कहते वीक है वीक एडमिनिस्ट्रेटर है कुछ खास पावरफुल थे नहीं प्लस पुर्तुगीजो जो सोसाइटी वो एरिस्टोक्रेसी थी वहां पर ऐसा नहीं था कि मर्चेंट का कोई डोमिनेंस है तो अब उसमें क्या वो नोबल वगैरह है किंग वगैरह वो अपने हिसाब से काम करेंगे वो फर्क नहीं पड़ता कि अब वो क्यों चाहेंगे भैया बताओ अगर मैं राजा हूं तो आज मैं क्यों चाहूंगा जैसे मान चलो अज्यूम करिए कि अजयूम करिए अभी आपको मोदी जी है मोदी जी इंडिया के राजा है ठीक है अंबानी जो है वो एक ट्रेडर है मर्चेंट है और पैसा बनाया जा रहा है पैसा बनाया जा रहा है और किंग की औकात था उसके सामने कुछ नहीं रहेगी कुछ टाइम के बाद अगर मान चोला ऐसा हो जाता तो ना तो किंग क्यों चाहेगा उसके सामने कोई बंदा फैल है वो चले कांग तेरा बिजनेस भी मेरे उधर बैठा शांति से नीचे बैठ किंग तो इतना पावरफुल होता ना तो यही सिस्टम था एरेस्ट्रोके का तो वहां जो सोसाइटी थी अरेस्ट तो वो मर्चेंट को बनने दे रही है किसी से इसी ना ही उन मर्चेंट का कोई सोशल इन्फ्लुएंस है कि लोग उनकी बात भी मानेंगे ऐसा भी कुछ नहीं किंग ही मेन होता है उनके लिए तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे थी तो मर्चेंट का किसी भी तरह का कोई सोशल इन्फ्लुएंस नहीं था तो, जो स्टेट की पॉलिसी बनती थी वो उनके अकॉर्डिंग नहीं बनती थी ठीक है तो ऐसा नहीं था उनके अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करेगी कॉलोनी बनाओ तुमको हम और आर्मी भेजेंगे तुमको हम और पैसा भेजेंगे तुम अगर हमें कुछ पांच साल या सौ साल तो अगर टैक्स नहीं भी दोगे अपना प्रॉफिट करो ऐसा कुछ नहीं था जो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया इसकी वजह से ये जो भी पुर्तुगज कंपनी यहाँ पे थी उनके खर्चे के लिए वॉर छेड़ देंगे तो वॉर का खर्चा भी खुद की जेब से भरना पड़ रहा है तो बैंक करप्सी जो वाली प्रॉब्लम क्रिएट होने स्टार्ट होगी क्योंकि इनको उनकी खुद की कंट्री से सपोर्ट नहीं था और क्यों नहीं था क्योंकि वहां ये पॉइंट पॉइंट समझ में आया बोलो जल्दी से कमेंट सेक्शन फटाफट नेक्स्ट है कि जो ऑफिशियल थे उनको सैलरी भी ना के बराबर मिलती बहुत ज्यादा सैलरी अब सैलरी क्यों ना के बराबर मिलेगी सोचो कंट्री तो एरिस्टोक्रेसी है वो क्यों इनको सैलरी आता कोई मर्चेंट होता कोई ट्रेडर होता जिसको बिजनेस प्रॉफिट करना वो देगा ना सैलरी अब ये तो किंग के हिसाब से छोटा मोटा जो उनको पैसा मिल रहा है मिल रहा है तो इतनी से कम सैलरी में क्या करेंगे करप्शन करेंगे तो उन करप्शन की वजह से क्या हो होगा कि जो लोग होंगे वो इनसे नाराज हो जाएंगे तो रिवेलियन स्टार्ट हो जाएगा लोग इनके खिलाफ पहले से चल रहे हैं तो किसी दूसरे को आके अब है, बहुत अच्छा समझाता आपके लिए कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला है जब भी रोड से कोई निकलता है है उसे बिना मतलब के लिए ठीक अब एक दूसरा कोई आया ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है कोई दूसरी पुलिस का है वो बोला काम करो इस ट्रैफिक पुलिस वाले को मैं मार दू इसी जगह मैं जगह ले लू तो आप मुझे तो लोग अरे भाई साहब बिल्कुल आइए मारिए इसको तो इससे परेशान हो गया हम यही हुआ करप्शन की वजह से यही होता है समझ आया तो इजीली उनके लिए काफी आसान रहा उनको निपटा के खुद स्टेबलाइज होना क्योंकि जो लोकल लोग इजिली सपोर्ट किया सबने भी मदद करने में कहा में तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि, कि करप्शन किस तरह से इनके डिक्लाइन का एक रीजन बना फिर पुर्तगीज के बारे में और क्या है कि भाई साहब एक तो ये रिलीजन को लेकर बड़े सेंसिटिव थे क्रिश्चियन क्रिश्चियनटी क्रिस्चियनिटी फोर्सफुल कन्वर्जन वही जो है औरंगजेब वाला सिस्टम अब तुम इंडियंस को मजाक समझो फोर्सफुल कन्वर्जन करोगे तो औरंगजेब जैसा नहीं टिक टिकाया तो तुम्हारी औकात क्या है खत्म का नहीं पिक्चर साफ वही हो गया

तो भैया चले काम कर तेरे पास पचास मान चल एग्जाम कर मैं मैं आई फोन बेचना है मेरे हाथ में आई फोन है ये आई फोन एज्यूम करिए सिक्सटी थाउजेंड का है, मैंने बोला सिक्सटी थाउजेंड का है। सामने वाला बंदा बोल एक काम करें फिफ्टी एट का दे, दे। बोले फिफ्टी एट में नहीं दूंगा ठीक है मैं तो प्रॉफिट चाहिए तो एक काम कर ये ले लेकिन उड़ा दिया चल आपने पूरा तो छीन लिया आया तो आया उन्हें छीन लिया तो इस तरह से इन लोगों ने अपने ट्रेड इस्तेमाल किया तो ट्रेड और पायरेसी में ज्यादा फर्क नहीं रहा है लोगों में तो इस तरह से तो इससे भी अगेन वापस से जो नेटिव थे हस्टाइल हो गए उनके खिलाफ अच्छा हरकतें करोगे तो कब तक बचोगे नेक्स्ट हुआ काफी इंपॉर्टेंट इवेंट फिफ्टी एट्टी के अंदर स्पेन यूनियन बनकर तैयार होता है अब जो पुर्तगाल है वो स्पेन के साथ मर्ज हो जाता है ठीक है एक पूरा स्पेन यूनियन बनकर तैयार होता है तो पुर्तगाल इसको स्पेन के साथ हो गया मर्ज अब इससे क्या होगा कि जो स्पेन की वॉर थी वो पुर्तगाल लड़ेगा अब पुर्तगाल लड़ेगा उसका पूरा इन्वेस्टमेंट चला गया उधर पूरा फोकस चला गया उधर पूरी आर्मी चली गई उधर जो कॉलोनीज थी उनके ऊपर इन्होंने ध्यान देना कर दिया बंद कॉलोनीज में क्या हो रहा है बाहर में जाओ पूरा फोकस कहाँ शिफ्ट कर दिया उन्होंने अपना स्पेन की जो भी वॉर थी उनके ऊपर डायरेक्ट पुर्तुगाल इन टू स्पेन वॉर विद इंग्लैंड एंड होलैंड तो वहां वॉर स्टार्ट होगी इंग्लैंड के साथ होलैंड के साथ तो इंग्लैंड वाले अच्छा हमारे खिलाफ वॉर हो चलो तुम्हारी कहाँ कहाँ पे तो इनको यहाँ भी मारेंगे भाग ले जाके भी मारेंगे वाला सिस्टम होगा तो फिर दिमाग में आया चलो इंडिया में बैठे चलो भैया इंडिया में तो काफी इनके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ स्पेन यूनियन की मदद से इनको मर्ज होकर उनके साथ में लड़ना नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगीज ने ब्राजील डिस्कवर कर लिया तो इनको एक बहुत बड़ा अब जो अब इंडिया अब अगर हमने मैप अभी मैप दिखाऊंगा नहीं आपको देखोगे तो जो अफ्रीका है वो काफी हद तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी है और ब्राजील के अंदर बात करोगे तो ब्राजील का भी अगर एरिया वाइज का बात करें तो काफी कुछ है इंडिया में क्योंकि इंडिया का एरिया इतना नहीं था इंडिया में कितना का था, था? गोवा पूरा इंडिया थोड़ी इनके पास है मुगल खान थे मुगल बैठे हुए पापा जी तो ऊपर तो आने देंगे नहीं सिर्फ छोटा सा लेके बैठे हुए गोवा राम दू तो इन्होंने डिस्कवर कर दिया ब्राजील को तो इनका जो पूरा इंटरेस्ट था वो कहाँ चला गया ब्राजील की तरफ ब्राजील को कॉलोनाइज करेंगे आर्मी भी वहां भेज दी पैसा भी वहां भेज दिया इंडिया की तरफ इनकी पकड़ होगी कमजोर नेक्स्ट वही बाकी यूरोपियन पावर आ गई डच आ आगे डच भगाएंगे इनको इंडोनेशिया से ब्रिटिश इनको इंडिया से निकाल देंगे श्रीलंका से निकाल देंगे मलेशिया से निकाल देंगे तो ब्रिटिशर्स निकाल और डच दोनों ने ही इनको पूरी तरह से यहां से खत्म कर दिया फाइनली पूरी तरह से निपट गए सिर्फ गोवा दमन एंड दीव और बॉम्बे भी इनके पास था मैं बताऊ गोवा गोवा दमन दीव और बॉम्बे ये चार चीज दमन दीव ही हो गया तो गोवा दमन दीव और बॉम्बे तीन चीज इनके पास थी जो उनके पास खुद के था बट इन्होंने खुद नहीं बॉम्बे किसको दे दिया इंग्लैंड के जो किंग थे उनको उनकी जो प्रिंसेस बिगेंजा थी उससे शादी करने के लिए दे दईज में तो बॉम्बे तो ने ने खुद नहीं दे दिया बचा कुछ इनके बच्चा नहीं निकल गए कहानी खतम मलाय स्ट्रेट मलाय मलाया का मतलब मलाया स्ट्रेट ठीक मलाय है स्टेट। मलाय स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट जिसको मतलब मलाया स्ट्रेट है ना मलेशिया नहीं हो अब मलेशिया भी बोल सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मलेशिया का नाम तो इसी पड़ा मलेशिया भी तो अगर मलेशिया बोल रहा हूँ तो अभी गलती नहीं होगा ठीक है मलेशिया का देखिए मलेशिया मलाई नाम तो इसी के ऊपर पड़ा है मलेशिया का नेक्स्ट वन क्या है आप तो ठीक है तो पूरा खत्म हो गए क्या बचा इनके पास सिर्फ गोवा दम दू बचा जो भी नाइनटीन सिक्सटी वन में इंडिया तक इनके पास था नाइनटीन सिक्सटी वन में इनका लिबरेशन कर इंडिया ने इसको छीन लिया तो सबसे लास्ट में भी ये गए सबसे पहले ये है तो सारे पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ बॉम्बे इन्होंने दहेज मदी थे किंग्स चार्ल्स टू को जो इंग्लैंड के थे ये पॉइंट भी क्लियर है ठीक है यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है कि जो आइल जो बॉम्बे था वो किंग्स चार्ल्स टू इंग्लैंड के उनको दहेज में दे दिया गया 1661 के अंदर अब आता है गोवा का लिबरेशन ये मैंने थोड़ा सा ना पॉलिटीशन लिया है यहाँ मैंने मॉडर्न के अंदर थोड़ा पॉलिटिक घुसा दिए तो आप थोड़ा देख लीजिए इसमें क्या है गोवा का लिबरेशन क्या हुआ कि पुर्तगाल रिफ्यूज टू तो विदड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ द गोवा दमन एंड दू विच वर अंडर इस कंट्रोल सिंस नाइन फिफ्टीन जीरो नौ में दमन जो दीव को कब्जा किया था और टेन के अंदर गोवा जीत लिया था

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एम अब ये क्या बोली ये बोले कि भैया देखो गोवा में मराठी स्पीकिंग लोग बहुत ज्यादा देखो महाराष्ट्र के साथ मिक्स कर दो स्टेट बना दो स्टेट नहीं महाराष्ट्र के साथ मिक्स कर दो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे गोवा में जो थोड़ा सा ना कंकनी कल्चर को कौंकनी लैंग्वेज बोलते हैं। दो तरह के लोग थे गोवा गौ, के अंदर एक मराठी स्पीकिंग एक कंकनी स्पीकिंग तो मराठी बोलेगी महाराष्ट्र में दो कंकनी बोलता नहीं भैया हमको तो इंडिविजुअल कहीं मिक्स नहीं होना वो जो पार्टी नाम था यूनाइटेड गोन पार्टी तो अब इसको पूरा करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने करा एक ओपिनियन पोल आज तक की इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में कहीं भी, भी किसी भी हमारी जो खुद की जो हम जीत चुके हैं उसके अंदर कभी भी ओपिनियन पोल नहीं कराएगा ये ध्यान रखिएगा कभी भी नहीं कराया जूनागढ़ में कराया गया था सिक्किम में कराया बट वो इंडिया के साथ मिलाने के लिए ठीक है कि आपको इंडिया में माना जाना ये इंडिया में जीतने में आप यूटी बना चुके हैं ना उसको

हम क्या होता है कुछ भी चीजें करनी होती है तो लोग पूछते हैं आज तक अभी नहीं पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बना दिया बताइए पूछा उस समय की चीजें नहीं पूछा ना हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर अमेंडमेंट करते हैं और ये येलो बना दिया बट यहाँ पहली बार ऐसा था कि कोई जो किसी को मिलाना है या अलग करना उसके लिए एक रेफरेंडम कराया गया ठीक है तो ये पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आप कन्फ्यूज किस में होंगे आप कन्फ्यूज होंगे इस पॉइंट में कि जूनागढ़ सिक्किम में भी रेफरेंडम हुआ था ठीक है आपके दिमाग में कन्फ्यूज बट भाई साहब वो रेफरेंडम किस लिए कहता था इंडिया में मिलाने के लिए किया कहता था ना कि इंडिया में मिलाने के बाद स्टेट की बॉडी को ऊपर नीचे करने के लिए इन दोनों पॉइंट में थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा सा है ये हो जाएगा अच्छा तो रिजल्ट आज, आज इंडिपेंडेंट है तो गोवा को इंडिपेंडेंट रख लगे गोवा को यूटी ही रखा गया सेवन के अंदर यूटी रखा गया यूटी रहो नाइनटीन के अंदर गोवा को क्या बना देगा एक कंप्लीट स्टेट बना देगा फुल स्टेट तो ये गोवा भी स्टेट है फिलहाल गोवा एक स्टेट ही है कुछ पॉइंट और इसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं कि जूनागढ़ सिक्किम में रेफरेंडम कराया गया था हैदराबाद जो है उसको उसमें पुलिस एक्शन किया जाएगा और कश्मीर के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ये कुछ तीन स्टेट थी जूनागढ़ हैदराबाद एंड सिक्किम उस समय जितने भी प्रिंसि जो इंडिया के इंडिया के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थी मतलब इंडिया और पाकिस्तान को जो मिला के उनमें से तीन स्टेट ऐसी थी बाकी सब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आसानी से उन सब लोगों को मना छना जैसे तैसे मना लिया बट तीन नहीं माने तो इनके लिए फिर अलग अलग तरीके इस्तेमाल किया गया जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया हैदराबाद में पुलिस एक्शन कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन सिक्किम का इतिहास थोड़ा सा अलग है उसके बारे में कभी और बात करेंगे पॉलिटी के अंदर यहाँ सिक्किम को छोड़ता हूँ फिलहाल नेक्स्ट आते हैं कि पुर्तगीज का इंपैक्ट क्या कह रहा है इंडिया के ऊपर इतना टाइम रहे तो कुछ तो इंपैक्ट करके गए होंगे भाई बिल्कुल बहुत बड़ा इंपैक्ट किया पहला चीज तो ये करा कि पुर्तुगज बिगेन टू प्रोपोगेट क्रिस्टनिटी इन मालाबार एंड कोंकण कोस्ट तो कई सारे मिशनरीज मतलब बेसिकली ये कि इंडिया के अंदर क्रिस्टियनिटी जो है वो आ गई अभी तक इंडिया के अंदर क्रिस्टियनिटी नामो निशानी था सिर्फ मुस्लिम बौद्ध सिख और जैन और हिंदू यही धर्म थे क्रिस्टियन मात्र के बराबर था बट इंडिया स्टार्ट हो गई कौन कौन से मिशन दिया? से इनमें ये नाम इंपॉर्टेंट है से, सें, सेंट फ्रांसिस जेवियर एक काफी बड़े मिशनरी थे वैसे और भी हैं फादर रिजॉल्फ है फादर तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेन ये नाम इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया हुआ सेंट फ्रांसिस जेवियर ये प्लीज आप नाम याद रखिएगा मैं इसको थोड़ा रेड पेन से कर देता हूँ ये नाम इंपॉर्टेंट है इन सब में ये मिशनरी थे जो कहां से बिलोंग करते थे पुर्तगाल से, से और इंडिया के अंदर क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए हमारी लोकल लैंग्वेज थी वहां पे. ये एक अच्छी पॉइंट रही इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर रिसर्च करा ये सब आपको याद है जो याद का करने का खुद बता दूंगा याद करने का भाई साहब ने बहुत डीप स्टडी करी इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको मिले भी काफी कुछ सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए डीप स्टडी की जो है वो इनको जरा नेक्स्ट पॉइंट प्रिंटिंग प्रेस ये जो देखे गए इन्हीं की देन है अगला अच्छा प्रिंटिंग प्रेस ने जो बाइबल थी उसको प्रिंट किया किस लैंग्वेज है कन्नडा और मलयालम लैंग्वेज में तो ये ये पॉइंट भी के हिसाब से मैं सारा दोबारा रिकॉल कर दूं बेफिक्रो इस बार की पहले की तरह नहीं काफी टाइम के बाद हम लोग मिले तो मैं बस यही करूंगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें एक बार पूरा एक बार ऊपर जाकर आपको रिवाइज कर दूंगा शॉर्ट नोट्स में आपको भेजी रहा हूँ बना के तो वो भी आपको दिक्कत नहीं है प्लस इन्होंने काफी चीज इंडिया में इंट्रोड्यूस करी जैसे कि तबाखो तबाखो इंपॉर्टेंट है उसके अलावा सारे नाम है इसमें से ब्लैक पेपर भी है मैंने बताया इंडिया का क्लाइमेट काफी ब्लैक पेपर के लिए फेमस क्या था मलेशिया इंडोनेशिया इन्होंने देखा, देखा कि सेम क्लाइमेट था इंडिया में तो क्यों ना ब्लैक पेपर को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा जाए तो इस तरह ये और भी बहुत सारी चीजें जिनकी डिफरेंट वैरायटी इन्होंने इंट्रोड्यूस कुछ चीज तो इंडिया में पहले से थी कुछ नामा के लिए थी कुछ इन्होंने डिफरेंट वैरायटी इंट्रोड्यूस करी इनमें से बस आप तब्बू याद रख लिया और एक ब्लैक पेपर याद रख लीजिएगा वैसे ऊपर ऊपर से अभी देख ही लीजिएगा अब दो इनके ट्रेडिंग सेंटर मेन ट्रेडिंग सेंटर थे एक तो है मसूलीप्टनम पट्टा से याद रहा पट्टा मतलब कपड़ा तो ये तो कपड़े के लिए था एक मालाबार इन कोकन कोस्ट ये स्पाइसेस के लिए था तो ये दो इनके जो मेन ट्रेडिंग सेंटर है इंडिया में वो उनके दो के नाम इंपोर्टेंट रहते हैं नेक्स्ट इन्होंने मदद करी शिप बिल्डिंग में कि भाई शिप कैसे बनाते हैं और गोथिक आर्किटेक्टर जो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे ये दो चीज तो ये भी दो इनकी देन है यहां तक की बात है चलिए जरा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या इंपोर्टेंट अभी तक इस पूरे में तो पहला आपको याद रखना है कि फ्रांसिस जेवियर एक तो ये नाम दूसरा फा हेरिस सिविलाइजेशन प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं की देने क्या प्रिंट करा बाइबल किस में कौन सी लैंग्वेज में कन्नड़ा और मलयालम नेक्स्ट तोबाकू ब्लैक पेपर नेक्स्ट मसूलीपट्ट से क्लोथ स्पाइसेस शिप बिल्डिंग गौथिक आर्किटेक्चर तो ये भी इन्हीं की देने ठीक है आफ्टर एक पॉइंट और पुर्तगीज आर फर्स्ट वन टू तो गेट सेटल इन दी इसके बारे में अलग से बात पंडिचेरी का भी इतिहास थोड़ा सा ना थोड़ा सा मतलब ये डाउटफुल है इसमें भी कई सारी चीजें है जो थो थोड़ा सा दिमाग खराब करती है तो पौंडीचेरी बारे में अलग से वीडियो मतलब इसी कल के परसों क्लास में पूरा रिसर्च करके आऊंगा इसके बारे में जो भी मुझे लगेगा और फाइनली फिर इस पॉइंट के बारे में बात करें अभी छोड़ता है इसको तो अब आता है डच पे तो डच क्या है डच को बेसिकली नीदरलैंड बोलिए हॉलैंड बोलिए डच का मतलब तो ये एज पुर्तुगीज पावर अब इसमें हुआ क्या मैं थोड़ा सा समझाता हूँ प्रशांत का डाउट आया तो में में थे हॉटमैन भी भी में में इंडिया इंडिया में में ये फिफ्टी नाइनटी सिक्स के अंदर ही इंडिया में आ गया था फर्स्ट ड्रेवल था आया के गया माहौल के गया पुर्तुगीज को के गया ट्रेडिंग सेंटर के गया सब फाइनली बाद में जाकर इन्हीं की उन्होंने जो इनपुट दिया उसी की वजह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार होती है और वो आके इंडिया के अंदर स्टेबलाइज स्टेबिलाई सिक्सटीन जीरो टू के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी बनती है और ये इंडिया के अंदर आती है क्या पॉइंट इंपोर्टेंट डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो ये पहली एमएनसी है वर्ल्ड की एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी ठीक है तो फर्स्ट एमएनसी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेक्स्ट ट्वेंटी अच्छा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इंपोर्टेंट भी ये भी है कि जो चार्टर, बारें 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 बारें, चार्टर के बारे में बात करें चार्टर का मतलब होता है कि जाओ भैया तुमको लड़ाई कर लड़ाई करो ट्रीटी कर ट्रीटी करो जो करने करो हम कुछ नहीं बोलेंगे हम आपको सपोर्ट ही करेंगे तो इक्कीस साल का चार्टर इशू किया गया, गया इनके नाम पर इस कंपनी को पावर दी गई कि स्टॉक इशू कर सकते हैं प्लस 200 साल तक 18 परसेंट डिविडेंड इसको पे करना पड़ेगा पुर्तुगज गवर्नमेंट को तो ये चार पॉइंट इस कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट हो गए ऊपर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया बता देता हूं ये तो आपको पता ही है कि पुर्तुग की जो पावर है वो स्पेनिंग यूनियन के बाद काफी हद तक कम होगी अब डच के पास एक और चीज है जो थे काफी इनोवेटिव पीपल थे इन्होंने बनाई फ्लूडशिप शिप क्या होती है लेकर आ सकती है लड़ाई करने में तेज है तो ये फ्लूडशिप है ये काफी हद तक सुपीरियर साबित हुई किसके ऊपर पुर्तगीज के ऊपर पुर्तगीज ऊपर मोड़ना करना इधर ले जाना उधर ले जाना था छोटे कम लोगों को लेके जाना हो जाओ बड़ी शिप में क्या होता था एक साथ हजारों को लेकर जाएंगे ये पचास पचास सौ सौ लोगों के लिए भी तैयार कर दी उन्होंने तो एक ये इनका काफी बड़ा एडवांटेज रहा पुर्तुग को हराने के लिए याद रखिएगा तो इसके बारे में बात कर ली हमने हॉटमैन 1596 के अंदर लीजमैन मेंच ट्रेवलर था जो कंपनी थी वो के अंदर उसका नाम थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एमएनसी 21 ईयर का एक स्टॉक और 18 परसेंट डिविडेंड आफ्टर अब आ जाइए इनका देखिए इनका जो इंटरेस्ट है ना डच का वो इंडिया में कभी था ही नहीं इनका इंटरेस्ट किस में था इंडोनेशिया में स्पाइस आइलैंड में इंडिया में कभी था नहीं बट इंडिया में क्यों आ गई इंडिया में क्यों आ गई क्योंकि वहां कौन बैठा हुआ है पापा जी मतलब इनके पुर्तगीज पुर्तगीज बैठे पुर्तुग अब वहां से एकदम जाकर तो समझदारी से इंडिया में आए धीरे धीरे उनको वहां से भगाएंगे भी क्योंकि उनको जाना वही है इंडिया में तो ये सिर्फ इसलिए किसी तरह से निकाला जाए इनको तो दर मेन इंटरेस्ट वॉज इन द इंडोनेशियन आर्किपेलगो एंड द स्पाइस आइजन नॉट इंडिया पुस्ट आउट पुर्तगीज फ्रॉम पुर्तगीज को कहां से भगा देंगे बाद में मलाय स्टेट से मलाय स्टेट से भगा देंगे और इंडोनेशियन स्पाइस सुमात्रा तो वहां से निकाल के भगा देंगे एक पॉइंट ये प्लस जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है सिक्सटी uh, 1623 के अंदर अटैक करेगी दोबारा इनके ऊपर वहां पर इंडोनेशिया के अंदर बढ़िया उसको भी डिफीट कर देंगे तो डिफीट करने के बाद इनकी फाइनल इनके बीच में सेटलमेंट हो जाएगा कि काम करो तुम रहो यहां पर किसके साथ पुर्तुगज नहीं का चैप्टर तो क्लोज है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अभी आने वाली पिक्चर में बताऊंगा आपको वहां से एक इनके साथ एक डील होगी कि इंडोनेशिया किसका हो जाएगा डच का इंडिया किसका हो जाएगा ईस्ट इंग्लिश ब्रिटिशर्स का ये जब इनका अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद ठीक है अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रेडिट ऑफ मेकिंग इंडियन क्लोथ एज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट गोस टू द अदब इन्होंने क्या चीज नोटिस करी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी कि जो साउथ वेस्ट एशिया है साउथ वेस्ट एशिया मंदिर पूरा यहाँ से मैन में, में ये पूरा साइड साइड में जितनी भी इंडिया के बॉर्डर टचिंग जितनी कंट्रीज है चाहे वो इंडोनेशिया हो गया या ये मलेशिया हो गया थाईलैंड हो गया तो वहां देखा कि इंडियन की जो क्लोथ है उनकी डिमांड बहुत अच्छी है और जो इंडियंस है उनको पेपर चाहिए स्पाइस चाहिए जो इंडिया के अंदर इतनी उगती नहीं है इंडिया का कुछ जगह ही सपोर्ट करते केरला वगैरह बाकी क्लाइमेट इंडिया का ह्यूमिड है तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है राजस्थान में आगे आप पेपर नहीं ठीक है और बाकी जगह कुछ ज्यादा ही सर्दी पड़ती है तो इन्होंने क्या नोटिस करा कि इंडिया के जो क्लोथ है वो डिमांड वहां बहुत ज्यादा इंडिया को स्पाइसेस चाहिए इनको समझ में आ गया भाई साहब मजा आ गया ये क्या करते इंडिया से कपड़े उठाते क्लोथ उठाते उधर ले जाते उधर ले जाके बेचते वहां से स्पाइस लेते इंडिया को बदले में स्पाइस देते तो इस तरह से इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग करके स्टार्ट करी दोनों साइड में ट्रेडिंग पॉइंट स्टेबलाइज करके बट क्वेश्चन ये आता है अगर से पूछा जाए कि इंडियन क्लोथ को एज अ ट्रेडिंग आइटम एक्सपोर्ट आइटम बनाने के पीछे क्रेडिट पॉइंट ये था इंग्लिश ये ये जो, ये ये, ये जो थी वो इंडोनेशिया पे कब्जा ब्रिटिश इंडोनेशिया पे कब्जा करना चाहते थे ने तो के होती है कि आप एक काम करो कि जो डच है आप इंडोनेशिया में रहो

जैसे इंडिया से पचास रुपये के कपड़े लेके गए समझिए कैसे कैसे करेंगे काम इंडिया से पचास रुपए के कपड़े उन्होंने लेके गए और वहां लेकर सौ रुपए में बेच दिए वहां से स्पाइसेस स्पाइस ले 50 के इंडिया में ला के दो सौ में बेच दिए तो यहाँ भी प्रॉफिट बनाया वहां भी प्रॉफिट बनाया तो इस तरह से उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट करी तो जो क्लोथ को एज अ एक्सपोर्ट आइजम आइटम बनाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है डच को अब है कि भैया डच की फैक्ट्री मैंने बोला फैक्ट्री हमेशा से इंपॉर्टेंट होती है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि पुर्तुग की पहली और दूसरी फैक्ट्री कहां थी जल्दी से बताई कमेंट सेक्शन में

सिक्सटीन सिक्सटी में सोलह सो सोलह में सिक्सटीन सिक्सटी में और फ्रेंच का बासटीन सिक्सटी फोर में तो ये सब ने आपके नीचे ये लिख लिया होगा आप लोगों ने चलिए अब पहली दूसरी फैक्ट्री आपने लिख लिया होगा एक मतलब वो बना लो साइड में पहली और दूसरी सबके अंदर कॉमन है ना तो फर्स्ट फैक्ट्री जो थी पुर्तगाल की मतलब पुर्तगीज की वो थी कोचिन में पंद्रह सो तीन कोचिन कोचिन में फिफ्टीन जीरो कोचिन के अंदर डालेंगे फिफ्टीन के अंदर सेकेंड फैक्ट्री डालेंगे कन्नूर में कन्नूर में फिफ्टीन तो पहली फैक्ट्री कोचिन में 1503 के अंदर दूसरी फैक्ट्री कन्नूर के अंदर 1505 में ठीक है ये दोनों लिख है डच में डच सोलह सो छोला मसूलीपट्टम में 1606 में, 1606 में में पहली फैक्ट्री सिक्सटीन में 1606 के अंदर और दूसरी जो फैक्ट्री है वो पेटीपोली स्पेलिंग बोल देता हूँ पीई डबल टी ओ पी ए एल आई पीई डबल टी ओ पेटो पाली पीई डबल टी ओ पी ए एल आई तो सेकंड फैक्ट्री है पेट्रोपाली इसकी डेट मैंने चेक नहीं करी आप डेट तो आप ऑनलाइन देख लीजिए कब ठीक है तो पेट्रोपाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा नहीं था बुक के अंदर बट मैं चेक करोट इंक्लू शॉर्ट नोट्स में सोलह सौ ग्यारहटीन इलेवन मसूलीपट्टीन इलेवन मसूलीपट्ट दूसरी फैक्ट्री सूरत में सोलह सो तेरा सिक्सटीन थर्टीन दूसरी फैक्ट्री सूरत में सोलह सो तेरा सिक्सटीन थर्टीन ठीक है अब आता है डेनिस में तो डेनिस ने एक्चुअली कुछ को, कोई इन्होंने फैक्ट्री डाली ही नहीं मतलब एक तरह से तो फेरिंग हाँ इनका ट्रेडिंग सेंटर था वो एकमात्र ट्रेडिंग सेंटर था तो कोई फैक्ट्रीज टाइप से कुछ खास था नहीं इनके ट्रेडिंग सेंटर जरूर था ट्रेडिंग पॉइंट बोल देंगे तो वो था ट्रेन कुबार टी आर ए एन स्पेलिंग लिखो टी आर ए एन क्यू यू ई बी ए आर ट्रेन कुबार पता नहीं कोई अब मैंने चेक नहीं किया अभी गूगल पे चेक करूंगा इसको ट्रेंड को बार ठीक है ये यह यहाँ पे एक ना ट्रेडिंग पॉइंट था फैक्ट्री इस तरह से नहीं बोलेंगे बट हाँ इनका एक बहुत बड़ा बेस था जिसके लेकर बाद है बहुत पंगा भी हुआ है वो आप जरूर इसी के नीचे लगे सेकंड फैक्ट्री मतलब इसको इस देखाओगे फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं है ये इनके दो डेनिस के अंदर दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो ट्रेन कुबार एक है सीरमपुर एस ई -E आर ए एम पी यू आर सीरमपुर ये दो इनके बहुत बड़े बेस बोल सकते हैं बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है के अंदर अभी अभी आएंगे आएंगे आगे क्लास सीरमपुर अब आते हैं फ्रेंच में तो फ्रेंच की पहली फैक्ट्री सूरत सूरत में 1667 1660, 1667 1667 सोलह सूरत में पहली फैक्ट्री सूरत में दूसरी मसूलीप्टनम में 1669 1669 1669 सिक्सटीन में अब आप एक नोट एक चीज नोटिस करोगे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में और फ्रेंच के अंदर जो तो ब्रिटिश ने पहली दूसरी फैक्ट्री डाली फ्रेंच ने बिल्कुल उल्टा है ब्रिटिश ने पहली कह दी मसूली पटना में दूसरी कहा पहली सूरत में डाली दूसरी मसूलीपना में बाकी आप देखिए डच के अंदर पहली मसूली पटना में ब्रिटिश जैसा ही है दूसरी सुरटरी जगह इन्होंने डाली पेटोलियम और जो सबसे पहले थे कौन फ्रेंच उनकी पहली फैक्ट्री कहाचिन में दूसरी थी कन्नूर में फ्रेंच नहीं पुर्तुगीज पुर्तगीज उनकी पहली फैक्ट्री कोचिन में थी दूसरी कन्नूर के अंदर ये लिख लो इसको अच्छे से याद कर लो ये आगे बढ़ते हैं तो डच फैक्ट्री के बारे में बात होगी पहली थी मसूली पटना में दूसरी थी के अंदर फिर इन्होंने एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चंदागिरी के जो किंग थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन करी उस ट्री ट्रीटी के अंदर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया पुलिकट में साथ में जो गोल्ड के कॉइन थे जिनको हम पगोड़ास बोलते हैं वो भी इन्होंने मिंट करना स्टार्ट कर दिया पुलिकट के अंदर ही प्लस इनकी कुछ फैक्ट्री जल्दी जल्दी थे सामने आने स्टार्ट होगी एक इसमें काफी इम्पोर्टेंट कासिम बाजार कासिम बाजार के नाम सुनते कुछ याद आया होगा याद आया किसी को कमेंट से बताओ कासिम बाजार कहां सुना था लास्ट टाइम आपने कासिम बाजार कासिम बाजार कहां सुना जल्दी बताओ फटाफट फिर आगे बढ़े बिल्कुल 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 सही। बिल्कुल सही सही ये सिराज वाला ब्लैक होल एपिसोड पूरा जो पिक्चर थी वो यही था कासिम बाजार ना टी टी ऑफ अली नगर हाँ तो कासिम बाजार हो गया करायकल हो गया बालासोर हो गया बारहगढ़ सारा ये पॉइंट आपके इसने प्लस 1690 नाइनटी में हेडक्वार्टर को पुलिकट से कहां से कर दिया नागापट्टिनम तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो शिफ्ट करके फाइनल यहाँ कर दिया इनके जो तो फैक्ट्री के हेड होते थे उनको बोलते थे फैक्टर्स या ट्रेडर्स ये छोटा सा पॉइंट है फैक्टर्स क्या होते थे तो फैक्टर्स वो हैं जो फैक्ट्री के हेड होते थे अब यहाँ पे एंग्लो डच राइवलरी स्टार्ट होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कामिशन पंगा स्टार्ट होता है तो इसमें होता है अब आपने याद है थोड़ी देर मैंने बताया मैंने एक चीज बोली थी कि इन्होंने जो सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री में बोला था ना कि जो ब्रिटिशर्स का इफेक्ट था इंडोनेशिया पर कब्जा करने का वो इन्होंने खत्म कर दिया और उसके बाद इनमें एग्रीमेंट हो जाता है कि तुम एक काम करो तुम रो इंडिया में वो पिक्चर यहां वाली है कि सोलह में इस पर्टिकुलर ये ध्यान दीजिएगा सोलह पर एक होता है एबोयान एबो एम्बो एम्बोयाना एम्बोना पता नहीं क्या एम्बोना मास्क इसमें मास्क में क्या होता है

तो जल्दी से आपको मैं ये जो है ये पुर्तगीज़ में मेन मेन चीज़ इवेंट आपको याद करा देता हूँ इस तरह कर लेता हूँ तो मेन मेन पॉइंट हमारे हमारे सामने आएंगे जो अभी तक तो डच के अंदर मेन पॉइंट क्या है पहला पॉइंट तो ये है कि फ्लुइड शिप ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा फ्लूडशिप के बारे में कि ये क्या था कि लाइट वेट शिप थे तो एक इनका ये प्लस पॉइंट था कंपेयर टू द पुर्तुगीज शिप दूसरा कॉल डी हॉटमैन ये क्या थे ट्रेवलर से जो इंडिया में आए फिफ्टी नाइनटी सिक्स के अंदर इंडिया का माहौल देखा जाके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना इनपुट दिया उसकी इसको ब्रिटिश डच ईस्ट इंडिया कंपनी को और उन्होंने कंपनी मतलब डच जो गवर्नमेंट को और उन्होंने फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज करी सिक्सटीन जीरो टू के अंदर जो कि फर्स्ट एम एनसी थी वर्ल्ड में इक्कीस साल का चार्टर इशू किया वॉर और ट्रिडी करने की परमिशन दे दी गई स्टॉक इशू कर सकते थे एटीन परसेंट डिविडेंड देना था दो सौ साल तक गवर्नमेंट को पुर्तुगीज गवर्नमेंट को प्लस इन्होंने कब्जा कहाँ पे किया इंडो जो इंडोनेशियन आर्मी पहले कोई इनका मेन इंटरेस्ट था वही वहीं पे इनको जाना था एक्चुअली इंडिया तो एक बहाना था फाइनली लास्ट में पहुंचे भी पुर्तुगज को मलाया स्टेट से और इंडोनेशियन लैंड जो स्पाइस आईलैंड वहां से इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया सिक्सटीन के अंदर जो ब्रिटिशर्स का जो अटेम्प्ट था वो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया वहाँ बताया एम्बोना मास्कर जो होता है यहाँ पर दस इंग्लिश को नाइन जेपनीस को मार देते हैं फाइनली सिक्सटीन के अंदर क्या होता है कि डच इंडोनेशिया ब्रिटिशर्स इंडिया उसके बाद इनका मैटर हो जाता क्लोज 1759 के अंदर, के अंदर अंदर बैटल ऑफ बिदरा जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको हरा देते हैं और इंडिया से पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में काफी बड़ा है और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके बारे में पहले ही ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं इंग्लिश के बारे में मैक्सिमम चीज हमने पहले ही कवर कर ली है चलिए सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज होते है सिक्सटीन हंड्रेड के अंदर ठीक है अब जब स्टेबलाइज डेट है थर्टी दिसंबर सिक्सटीन की 15 साल गोडोप केप ऑफ आराम से पंद्रह तो साल तक आपको कोई आपका ट्रेड डिस्टर्ब करेगा नहीं जब ये कंपनी बनती है तो ये कंपनी किस तरह की ये एमएनसी की तरह बनती है नो no. ये एक मर्चेंट एडवेंचर कंपनी होती है जिसका मेन जो लीडर था वो था जॉन मिलडेन हॉल ये के नीडर का के नाम है इसलिए इसको कई बार इसको जॉन कंपनी भी बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब उस कंपनी का जो तो मेन हेड था वो था जॉन मेलेटॉल इन नाम के ऊपर बोल दिया गया जॉन कंपनी भी इनको बोला गया अच्छा इसके जो सबसे अच्छी खासियत थी कि यहाँ बाकी की तरह नहीं था क्या जो एरिस्टोक्रेसी में है कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन ले नहीं इनको एक चौबीस डायरेक्टर बनाए चौबीस कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर इलेक्टेड जो जिसको इलेक्शन होता था वहां पे जो ब्रिटिश क्राउन के थ्रू तो ये अच्छा इसका डायरेक्टर का कैसे नॉमिनेशन रहा इनके बारे में बात करूंगा मैं अभी आगे आने वाले चैप्टर के अंदर किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्लीज अब मैं जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलूँ ना समझ आएगा के बारे में बात करूँ ठीक है तो चौबीस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कैसे इलेक्टेड होते थे उनके बारे में हम बात करेंगे अब ये जो 24 कोर्ट और डायरेक्टर थे इनका पूरा फोकस था कि किसी भी तरह से हम ब्रिटिशर्स के ट्रेड को इंप्रूव करें जिनका कॉलोनाइजेशन पावर को मजबूत करें और जितनी ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपानशन पॉसिबल हो उतना करें ये एक अलग चीज थी बाकी जगह ऐसा नहीं था बाकी जगह किंग के थ्रू सिस्टम चला था पुर्तगाल के अंदर दिखाई आपने और यहां बिल्कुल एक इलेक्टेड एक बॉडी बना दी गई जिनका काम यही है कि वो अपने ट्रेड को बढ़ाना बढ़ानाइजेशन को बढ़ाना इन बिगेनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन दिस स्पाइस इनका का स्टार्टिंग रहे थे

तो जो पहली फैक्ट्री डाली वो मसूली पटन में थी लेकिन आप ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग ट्रांजिट पॉइंट मतलब वहां से शिप आएंगे रुकेंगी वो था सूरत में वो सूरत में उन्होंने बनाया था सिक्सटीन जीरो एट के अंदर फैक्ट्री सी ग्यारह में तेरह में डाली यहाँ तक की पिक्चर तो क्लियर है अब इसी सिक्सटीन जीरो एट में जब उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर स्टेबलाइज कर तो कैसे किया कि जो तो कैप्टन हॉकिस है सोलह साठ लिखा हुआ है मतलब सेम ईयर के बारे में बात करें जब उन्होंने ट्रेडिंग ट्रांजिट पॉइंट बनाया होगा ये कैप्टन हॉकिस ने जिस खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस शिप से आया तो शिप का नाम हेक्टर था कुछ खास इम्पॉर्टें तो वही वाली बात होगी कि जब वॉस्को डिगामा जिस शिप से आया था उसके कैप्टन का नाम अब्दुल मजीद था बट हाँ छोटे मोटे पॉइंट होते हैं केबीसी टाइप के, के पॉइंट है तो देख लीजिएगा याद हो जाएगा ये इंडिया मैं सूरत में लैंड किया ट्वेंटी अगस्त सिक्सटीन में ये भाई साहब जहांगीर के पास गए आगरा कोर्ट के अंदर जो ट्रांजिट पॉइंट था उसी को फैक्ट्री बनाने की परमिशन मांगी इन्होंने कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रांजिट पॉइंट है तो मैं फैक्ट्री बनाना चाहता हूं ताकि मैं अपना सामान रख सक फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था अच्छा यहाँ एक चीज है यहाँ फैक्ट्री का मतलब मैनुफेक्चरिंग पॉइंट नहीं है मैन्यूफे का मतलब है ट्रेडिंग ट्रांजिट पॉइंट वही पॉइंट है बस फैक्ट्री में ये इंग्लिश मैन रहेंगे इनके घर होंगे बी रहेंगे क्वार्टर होंगे ठीक है इनके शिप्स वगैरह वहां पे डॉक होंगी ये सारा वो ट्रेडिंग पॉइंट की तरह कोई मैन्यूफेक्चरिंग का काम नहीं है ये सिर्फ इंडिया से सामान उठाएंगे उधर से स्पाइसेस लाएंगे और इस तरह से इंटरचेंज करेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस है वो तो इन्होंने बोला कि सूरत में मुझे मेरी फैक्ट्री डालनी है जागीर ने परमिशन दे दी रॉयल फार्मा इशू कर दिया रॉयल फार्मा ने बोला कि जो वेस्ट कोस्ट है बॉम्बे वाला ठीक है बॉम्बे गोवा साइड में पूरा सूरत वाला तो वेस्ट कोस्ट में आप जहाँ चाहें वो अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं लेकिन ये भाई साहब ने फैक्ट्री डाली नहीं एट नाइन में परमिशन मिली थी लेकिन यहां को फैक्ट्री का भाई दो साल के बाद क्यों डाले दो रीजन थे पहले रीजन ये तो पूरी कंट्री का फरमान चाहता था कि पूरी कंट्री को मिले वो दिया नहीं झांगी ने इसको दूसरा ये चाहते थे फैक्ट्री डालने से पहले इनकी मेन प्रॉब्लम कौन है पुर्तुगज ये पहले पुर्तगीज का निपटारा करें उनके साथ कुछ कर लेते मैटर शॉर्ट आउट फिर फैक्ट्री डालेंगे तो यहाँ तक ये पिक्चर क्लियर कर लो कि सिक्सटीन जीरो एट में ट्रांजिट पॉइंट बनाया गया भाई साहब ये गए कहां पर कैप्टन झांगी के पास परमिशन मांगी दे दी उसने वेस्ट कोस्ट सिर्फ वेस्ट कोस्ट की दी नहीं डाला बोला दो रीजन की वजह से मैंने बता दिया अब आती है फैक्ट्री कैसे डलती है तो जो फैक्ट्री का मतलब बता दिया मैं आपको ट्रेडिंग पोस्ट विद इन विच हाउस ऑफिस हाउस नो मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी ध्यान रखिएगा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरह की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती थी फैक्ट्री में इन सिक्सटीन इलेवन फर्स्ट फैक्ट्री डलती है मसूलीपटनम में क्योंकि इनको परमिशन तो है ही है ना ने परमिशन दे ही रखी कहा की कि वेस्ट कोर्ट में कहीं भी डालो अच्छा जब मसूलीपटनम में फैक्ट्री डालते हैं तो उसके बाद एक होती है बैटल ऑफ सोलीहली ये सूरत के पास में होती है जहां इंग्लिश पुर्तगीज को डिफीट अब इनको समझ हाँ, में सूरत में कोई दिक्कत नहीं अब हम सूरत में फैक्ट्री डाल सकते हैं समझ समझाए है? क्योंकि सूरत के क्लोज में ही पुर्तगीज का बेस था अब वहां पे एकदम फैक्ट्री डाल के उनको समझ लो मैं बता बताया क्या क्या, क्या चीज सोची पहले ये देखो ऊपर कि डील विद पुर्तगीज बिफोर गेनिंग फेवर फ्रॉम द कि पहले पुर्तगीज में निपटा कर लेते क्योंकि हम सूरत में फैक्ट्री डालने देंगे नहीं तो जैसी मसूली फैक्ट्री में पटना में डाली उसके बाद इन्होंने सूरत का प्लान था इनके साथ पंगा हो गया सोले वाली में हरा दिया उनको आराम से फैक्ट्री डालेंगे अभी तो सेकेंड फैक्ट्री आ रही थी कहां पर सिक्सटीन थर्टी में अच्छा जब इन्होंने को हराया तो इससे जहांगीर भी कन्विंस हो गया जहांगीर को लगा, हाँ भाई साहब दम तो है तो उसने इनको क्या बोला कि काम करो आप अपनी जो फैक्ट्री अभी इसको फॉर्मर मिलने वाला है तो इसकी जो सूरत में जो फैक्ट्री है ना दिस कन्विंस जहांगीर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउड तो टू ए परमानेंट फैक्ट्री आप परमानेंट अपना बेस डालो कोई दिक्कत है आप उसको फोर्टिफाई करना चाहते हो तो फोर्टिफाई लो जो भी चाहिए कर लीजिए इवन जो जो मुगल कोर्ट ना उन्होंने जो भी इनिशियली जो इनिशियल हेल्प चाहिए थी वो भी प्रोवाइड करी यहाँ तक

जो सूरत की फैक्ट्री बोला ना जागी नहीं कर सकते हैं परमिशन तो ले ली मतलब आपको दिक्कत आए लेकिन जब ये फोर्टीफाई करने लगते हैं उसको इनको लगता है दे फील इनसिक्योर इन ऑफ तो 45 करने लगते हैं तो वहां उनके मन में शक्कर कीड़ा डाता है कि भाई इतनी बड़ी आर्मी में इतनी बड़ी सेना क्यों डाल रहे है कल को ऐसा तो नहीं है कि इस कब्जा करके मुगल के ऊपर कुछ कॉन्स्प्रेसी कर दे तो वो उनको मना कर देता है तो मुगल फ्रस्ट्रेटेड दी अटेम्प्ट एंड इम प्रजेंट द इंग्लिशमैन और उनको जेल में डाल देते हैं जो भी काम कर रहे होते हैं दे शिफ्टेड देर फोकस ऑन दिस साउथ इंडिया टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्फेंट्रेशन इनको समझ में आ गया कि भाई साहब अभी, अभी मुगल से लड़ेंगे तो हमें दौड़ा दौड़ा मारेंगे क्योंकि मुगल बहुत पावरफुल है तो अभी नहीं मौके का वेट करते हैं तो हम क्या करते हैं जहां मुगल की डोमिनेंस नहीं है वहां जाते हैं तो ये मुगल की एम्पायर को छोड़ गए साउथ इंडिया में पूरा फोकस कर देते हैं दूसरी बात इन साउथ नो स्ट्रॉग पावर कोई पावर थी नहीं दूसरा ये भी काम हो गया कि चले तो मुगल से बचना था प्लस साउथ में कोई पावर है ही नहीं तो दो, दोनों चीजों ने सोने पर सुहागा उससे भी बच गए उधर कोई लड़ने वाला इनसे है नहीं अच्छा यूपीएससी का नेक् क्वेश्चन और रहा है ये तो बात रही कि इन्होंने फैक्ट्री जब ऐसा क्वेश्चन आता इन ईस्टर्न इंडिया तो ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री का डाली वो डाली उड़ीसा अब या तो अभी तो जो फैक्ट्री थी वो कहां थी वेस्ट कोस्ट पर थी सूरत और मसूलीपटनम अब हम बात कर रहे हैं पूरा फरमान ले चुका है क्योंकि सोलह में रॉयल फरमान मिल चुका है इनको सर थॉमस रो जहागीर से पूरे इंडिया में कहीं भी डालो तो पहली फैक्ट्री ओपन करेंगे उड़ीसा में करेंगे वो कौन सी फैक्ट्री होगी ईस्ट इंडिया में उड़ीसा में होगी कहाँ होगी सिक्सटीन थर्टी थ्री की कौन सी ईयर में होगी सिक्सटीन थर्टी थ्री में तो ये यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन अब आप समझ रहे होंगे कि फैक्ट्री वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आगे ऊपर ये रहा ये ये देखो रहा तो दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी फैक्ट्री वाली इस चीज से पूछे जा चुकी अगला मद्रास अब एक एक करके हम अलग अलग इलाकों के बारे में बात करेंगे जैसे मद्रास के बारे में बात करेंगे बंगाल के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया मद्रास में क्या बंगाल में किया वो देखते है पूरा ना तो मद्रास में आते हैं तो मद्रास में सिक्सटीन में वहाँ के जो सुल्तान ऑफ गोलकंडा के जो सुल्तान थे बदले में, 500 500 आप तो 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 में आपको पांच सौ पकड़ा गोल्ड को रिली ट्रेड करो तो देखो साउथ में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जानना तो जरूरी है ना कि कैसे इन लोगों ने अपनी पकड़ साउथ में मजबूत करी कहाँ से इनिशियली परमिशन मिलना चालू हुआ सबसे पहला तो ही था वेस्ट कोस्ट में दे दिया तो वही जहागीर था जिसने सर थॉमस रो को पूरे मुगल का दे दिया लेकिन फिर भी इनको समझ में आ गया कि भैया क्यों समझ में आया क्योंकि 1625 में जैसे इन्होंने सूरत को करने की कोशिश करी उन्होंने भगा दिया इनको मार मुड़ के जेल में डाल दिया लोगों को तो इन्होंने कहा इनसे लड़ने के लैंड साउथ में चलता है जो जो साउथ में आए होंगे तो कहीं से तो शुरुआत करी होगी तो शुरुआत कहां से हुई मद्रास से मद्रास में थर्टी टू के अंदर सुल, सुल्तान ऑफ गोलकंडा ने बोला कि जाओ आप आराम से ट्रेड करो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं कोई ड्यूटी फ्यूटी कुछ नहीं बदलते में पांच सौ दे दो पकौड़ास गोल्ड फिर कुछ साल के बाद में राजा ऑफ चंद्रगिरी के जो राजा थे उन्होंने उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट फरमान इशू कर दिया अब इस फरमान में क्या क्या बोलेगा इसके बारे में ज्यादा बातें होती नहीं लेकिन आप ढंग से इसके, अगर आप पॉइंट्स को पढ़ोगे समझ में आएगा बहुत बड़ी चीज है ऑप्टेन मद्रास और लीज सबसे पहली बात तो इस भाई साहब को मद्रास ही दे दिया पूरा कि चलो लीज रखो जितना तुमको करना है करो जो भी कमाई करनी है मुझे इतने पैसे तुम देना फिर अलाउड इंग्लिश टू फोर्टीफाई मद्रास की मद्रास को वही जो जहागीर है जिसके चक्कर में दौड़ा दौड़ा के था इनको. 45 करने जाओ, कर लो बोल दिया अच्छा आपको अगर मद्रास का एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना तो वो भी संभालो टू कॉइन द मनी ऑन दी कंडीशन दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी विल पे हिम हाफ दंडिया कस्टम रेवेन्यू पैसा बनाना है पैसा छापना है खुद के सिक्के छापने छापो लेकिन जो तुम्हें रेवेन्यू आ रहा है जो कस्टम रेवेन्यू आ रहा है पोर्ट से उसका फिफ्टी परसेंट तुम किसको दोगे राजा ऑफ चंद्रगिरी को ठीक है तो ये एक बड़ा एक होता है ना कि काफी इंपॉर्टेंट फरमान इनको मिल चुका है मद्रास से रिलेटेड है फिर आता है यूपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप करी फैक्ट्री एंड बिल्ड स्मॉल फॉर स्म फोर्ट सेंट जॉर्ज एक्चुअली क्वेश्चन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में कि उन्होंने फोर्ट बनाया था कई सारे ऑप्शन थे सेंट फोर्ट सेंट फोर्ट विलियम सेंट फोर्ट डेविड इस तरह मैंने पिछली बार की क्लास में डिस्कशन भी किया था आपसे तो यहां ऑप्शन होगा सेंट फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज सिक्सटीन थर्टी नाइन में यही मद्रास जो परमिशन मिली है ऊपर देखो ये क्या लिखा अलाउ इंग्लिश इंग्लिश टू फोर्टी फाइव मद्रास

इन दोनों को कैसे एलिमिनेट कर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पहले समझिएगा फोर्ट विलियम के बारे में बात करूंगा सिक्सटी नाइटी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद लिया फोर्ट देवनापटनम जो मद्रास के पास में था खरीद लिया उसको पैसों में और उसका नाम बदल दिया फोर्ट सेंट डेविड तो बताओ ये बोलना सही है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट सेंट डेविड को बनाया फोर्ट फोर्थ बनाया बना बनाया खरीद दिया उसका नाम बदल दिया बस ठीक है नाम बदलने वाली बात आती तो भले है तो बलियम फोर्थ बोलते गलत हो गया उस पर भी बाऊंगा अभी याद रखे उस पर आने वाला अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा

तो मद्रास हो जाएगा फ्रेंच का बंगाल हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का और यही आगे जाके बंगाल जो बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी लेके बैठे हैं वो इनके लिए बहुत पावरफुल हो जाएगा जब हम बेटर क्लासेस जीत लेंगे तो पूरा बंगाल उड़ीसा बिहार सब इनके कब्जे में आ जाएगा वहां से सारे रेवेन्यू इनके पास आएगा इतना पैसा आएगा कि इंग्लैंड से इनको पैसा मंगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं इंडिया के पैसों से ही माल खरीदेंगे यहाँ के लोगों को सैलरी लगाएंगे आर्मी बढ़ाएंगे और जो मद्रास छोटी सी जगह में जो फ्रेंच बैठे हुए हैं उनको दौड़ दौड़ा के भगा देंगे इंडिया से तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है ना क्वेश्चन आ चुका है कि डुप्लेसिस ने मद्रास को ऑक्यूपाई किया था ईस्ट इंडिया कंपनी सेवेंटीन से 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 फोर्टी सिक्स के अंदर अब आते हैं बंगाल मद्रास की पिक्चर खत्म हुई बंगाल पर आते अभी आपको सेंट फोर्ट विलियम्स का जवाब भी मिलने वाला है तो मद्रास में क्या है कि सिक्सटीन में ये अपनी पहली फैक्ट्री डालते हैं कहाँ पर हुगली पर अब सोचो कितनी फैक्ट्री होगी पहली, हो पहली फैक्ट्री का डाली मसूरी पटना में दूसरी फैक्ट्री का सूरत में तीसरी फैक्ट्री का डाली सर तीसरी फैक्ट्री नहीं हम ये बोल सकते ईस्ट इंडिया में फैक्ट्री का डाली उड़ीसा में अच्छा बंगाल में काट डाली फैक्ट्री उन्होंने हुगली में पहली फैक्ट्री अच्छा ये हुगली में जो डाली इसके लिए परमिशन तो ली होगी किसी से जैसा अभी आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ इन्होंने परमिशन किसी ली थी सुल्तान ऑफ गोलकंडा से और राजा ऑफ चंद्रगिरी से मद्रास को करने के लिए सिमिलरली भी तो किसी से परमिशन ली होगी फैक्ट्री डाल दी बिल्कुल परमिशन लिए किससे परमिशन लिया सुल्तान सूजा अभी सुल्तान सूजा कौन है ये सूबेदार थे बंगाल के आप सूबेदार और निजाम के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पिछली वाली क्लासेस में तो ये सुल्तान सूजा के बंगाल के सूबेदार हैं दूसरी जो शाहजहां थे हमारे बिल्डर भाई साहब

जितने भी स्टेबलाइजमेंट थे बंगाल में बिहार में उड़ीसा में कोरोमंडल कोस्ट में ये कोई अंडर लिया है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मतलब तो बोला सबके ऊपर हेड कौन बना दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज अब फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या बोला फोर्ट फोर्ट अभी याद को याद करता हूं दो मिनट सब याद हो जाएगा थोड़ी देर जाए में देखो ये रहा ये कहां से आया था कि इन्होंने फैक्ट्री बनाई और फोर्ट बनाया कहा फैक्ट्री बनाई कौन सी जगह मद्रास किससे लीज पे राजा ऑफ चंद्रगिरी इस मद्रास के पास में अराउंड में क्या बनाया फोर्ट बनाया

Uh, अपना जो uh, uh, क्या बोलते हैं स्टेबलाइजमेंट को बढ़ाना चालू करेंगे और बाद में यही सूताना जाएगा फोर्ट विलियम्स बनेगा तो आपके दिमाग में डाउट है सर तो फिर आप बोले फोर्ट विलियम्स बनेगा तो ये भी तो इन्होंने बिल्ड कर दिया फोर्ट विलियम्स क्या नहीं किया तो फोर्ट विलियम्स इन्होंने बिल्ड कर दिया फिर आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये भी इन्होंने बनाया सेंट जॉर्ज क्यों नहीं बनाया ये डाउट आपके दिमाग में रहेगा और मैं आप चाहूँ तो थोड़ी देर को रख के बैठो अभी से बात करूंगा मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ बट थोड़ा सा और डिटेल बताने के बाद आइए सिक्सटी नाइन एट माते हैं अच्छा आप ये घबराओ मत इतने सारे पॉइंट देख के कि क्या याद होगा क्या याद होगा सब मैं आपको बता दूंगा क्या याद करना है जब आप एटीन सेंचुरी वाला याद करके ना तो ये तो कुछ भी नहीं उसके आगे अजीम उज शाह ये अगेन बंगाल के सूबेदार हैं ये जमीदारी राइट दे देते दे हैं सूतनती में कालीकटा में गोविंदपुरा में बदले में बोलते हैं कि मेरे को बारह सौ रुपए दे दो जो मतलब मेरे को नहीं जो पहले से उसके मालिक थे उनको बारह सौ रुपए दे दो जमींदारी राइडीन ट्री हंड्रेड के अंदर देते हैं बंगाल फैक्ट्रीज वर प्लेस्ड अंडर दी फोर्ट विलियम्स के अंदर डाल देते हैं एंड द सून द विलेज ग्रो इन टू नोन सिटी नोन एज ए कलकत्ता तो ये सिटी बाद में कलकत्ता बन जाती है वही फोर्ट विलियम्स को ही कलकाता बोलते हैं वही सिटी के अराउंड में पूरा विलेज तैयार बन जाता है और उसको एक सिटी का नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं कलकत्ता यहाँ तक की पिक्चर है अभी फोर्ट विलियम वाला मैंने आपके दिमाग में डाउट ही रखा है अभी खत्म नहीं किया करूंगा उसको खत्म थोड़ी देर डाउट भी रखो थोड़ी देर अब हम बॉम्बे में आते कि बॉम्बे में क्या कर रहे बॉम्बे में आता तो सिम्बल से पिक्चर भी है बॉम्बे इनके पास था भी नहीं बॉम्बे तो पुर्तुगज के पास उन्होंने खुद ही दहेज में दिया किंग चार्ल्स टू को बेगन शादी करने के लिए तो बॉम्बे की पिक्चर तो यहीं पे खत्म बॉम्बे के ज्यादा कुछ है नहीं फिर इंग्लिश और मुगल के रिलेशन आते हैं तो पहला आता है औरंगजेब तो औरंगजेब के बारे में क्या है कि औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी हुगली कैप्चर करा और वॉर डिक्लेयर कर दी औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब ने दौड़ा दौड़ के मारा इनको लेकिन फिर तो औरंगजेब ने क्या करा चलो छोड़ माफ कर देता हूँ वो ये इवेंट जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि औरंगजेब ने बगाया करा लेकिन सुनते रहो स्टोरी के हिसाब सुनते रहो याद करने वाले पॉइंट बाद में बता दूंगा अब क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने इनको माफ क्यों करा जब ये इतने कंजर थे तो औरंगजेब ने माफ क्यों करा उसका रीजन ये है बिकॉज फॉरिन ट्रेड बेनिफिटेड इंडियन आर्टिशन एंड मर्चेंट एंड एंडली यही मतलब ये है कि हमारे जो थे उनको धंधा मिल रहा था और ये जो हमारे इम्पीरियर थे इनको पैसा मिल रहा था पैसा तो इन्होंने कहा चलो ठीक है गलती माफ करके इनको अलाउ कर दिया तो एक ये पॉइंट आ सकता है कि और जब ने जब जब इन्होंने भाई साहब ने होगली अच्छा ये पॉइंट आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी सिटी या कौन सी जगह कैप्चर करी और औरंगजेब के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी तो जगह का नाम होगा होगली फारूक शाह के बारे में तो पता ही है तो ब, मतलब पूरी दुनिया को पता है फारूक शाह ने क्या किया वही विलियन हेमिल्टन को सर्जन वर्जन स्वेलिंग इन ग्रोन्स ठीक है वो वाली प्रॉब्लम तो इन्होंने एक मैग्ना काटा दिया जिसको बोलते हैं रॉयल फरमान ऑफ सेवन सेवन किसको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी बात कर दी लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें चेंज है चेंज क्या है कि मैंने जो प्रोविजन थे उनको थोड़ा सा इलोबरेट कर दिया थोड़ा सा उन्होंने कुछ ऐड कर दिया

कि कंपनी रिटेन इट्स ऑल ड्यूज एट हैदराबाद एंड फॉर मद्रास वाज रिक्वायर्ड टू पे ओनली देखो चार जगह के नाम आए फिलहाल अभी आपके सामने बंगाल सूरत हैदराबाद और मद्रास तो क्या क्या बोला गया बंगाल के लिए कि कस्टम फ्री कोई दिक्कत नहीं सूरत के लिए क्या बोला गया एक बार दस हजार रुपए देने फिर आराम से फ्री करो अच्छा हैदराबाद के लिए क्या बोला गया कि पहले भी तुम फ्री में ट्रेड कर अभी भी तुम फ्री में करो मद्रास के लिए क्या बोला गया कि जो तुम्हारे एक्जिस्टिंग रेंट है जो भी तुम्हारे ऊपर रेंट चल रहा है वो दो बस उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं देना तो ये चार जगह ये मैंने शॉर्ट नोट्स में अच्छे से लिख दिया मैं आपको दिखाता हूं शॉर्ट नोट्स नोटिस लिखा हूँ ताकि आपको जब पढ़ेंगे तो आपको ये काफी अच्छे से याद हो जाएगा हाँ मैंने शॉर्ट नोट बहुत ढंग से लिख लिया मतलब भेज दूंगा मैं आपको क्लास के बाद आज उसके बाद और क्या चीजें इसमें करी जो अलग से चीज़ें करी वो ये कि करेंसी तो करेंसी बात कर पहले हो चुकी फोर्टी फाइव वाली बात पहले हो चुकी थी रद दस्तक वाली बात पहले हो चुकी कंपनी सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड ये बात पहले हम कर चुके हैं ये सारे पॉइंट पहले डिस्कशन हो चुके हैं अब आता है कि वाई फारूक शाह मेहरबान तो विलियम हेमिल्टन ने स्वलिंदी ग्रोन राजा अजीत सिंह की बेटी से शादी करनी थी तो वो वाला पंगा ये सब कुछ पहले हो चुका है मतलब पिछली क्लासेज में हो चुका है ठीक है ये रॉयल फरमान का इंपॉर्टेंस क्यों है ये भी मैं पहले बात कर चुका हूँ तो फरमान एज ए सोर्स ऑफ अब बता बाद में जाएंगे फरमान बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में जैसे राजौला ठीक है मीर जाफर मीर कासिम ठीक है उन सबके बीच में अब आता है कि कुछ एक्सपोर्ट कमोडिटी जो फेमस एक्सपोर्ट कमोडिटी थी बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन सी थी उसमें एक कॉटन है एक सिल्क है एक साल्ट पीटर है एक ओपियम है एक सुगर है ये सारी है ये सब आपको एज एड यूपीएससी में आ चुका है अब यूपीएससी में आ चुका तो जो जो क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेट एग्जामिनेशन के तो ये तो वैसे आपको याद रखनी है इसमें सेल्ट पेटर क्या है इसको शोरा भी बोलते हैं या के आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा अच्छा केमिस्ट्री जिसकी होगी उसको पता होगा मेरे को तो केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो आती है मतलब केमिस्ट्री को आती नहीं है समझ लो आप तो मेरे को तो ये सब कालाक्षा भैंस बराबर जैसे ही है तो अब ये इसमें क्या है साल्ट पेटर के बारे में इंपोर्टेंट इन हाँ केमिस्ट्री मैंने जो नोट्स बनाए मेरे को उतनी आती है ठीक है पहले जो इलेवन ट्वेल्थ था मैं कुछ आती है अभी नोट्स बना मेरे उतनी जरूर आती है क्योंकि वो मैंने दो तीन बार पढ़ लिया अच्छे से सो इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट इन दी मैनुफेक्चर गन पाउडर बनाने के लिए मेन तो ये का इस्तेमाल होता है प्लस ये एक हैवी मेटल भी है जो शिप को जो होता ना लहरों के बीच अब रख दिया तो स्टेबलाइज करने के काम में भी आता है देखो अगर मैंने आप आराम से वो जो शिप का जो फ्लो के साथ ऊपर नीचे नहीं होगी प्लस इसका जो मेन सेंटर था वो क्या था पटना तो ये बात होगी ईस्ट ब्रिटिशर्स के बारे में पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट्री पोटेशियम नाइट्रेट शोरा है आ, इसको पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलता भैया ना ये भैया मुझे नहीं पता था क्योंकि इतना था हमारी केमिस्ट्री केमिस्ट्री है है नहीं तो मेरी पोटेशियम किसी ने बताया मेरे को पोटेशियम दक्षण है पोटेशियम नाइट्रेट ठीक है चलो तुम लोग केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है नेक्स्ट आता अच्छा नेक्स्ट आने से पहले नेक्स्ट आने से पहले जरा इस पर आता है डेंस पे ना

जहागीर से परमिशन ली कैप्टन हॉकिंस ने बट इन्होंने डाला नहीं क्योंकि इनको डंग पु पुर्तगीज का थोड़ा सा डर था और पूरे इंडिया की परमिशन चाहिए थी बट जहागीर ने सिर्फ इनको वेस्ट कोस्ट की परमिशन दी एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है प्लस पहली फैक्ट्री मसूलीपटनम में दूसरी फैक्ट्री सूरत में बीच में इनकी बैटल ऑफ सोलेहोरी होती है जिसमें इंग्लिश डिफेटेड पुर्तगीज और बाद में सूरत में फैक्ट्री डाले हैं सर थॉमस रो पूरे इंडिया की परमिशन ले लेते हैं इनसे मतलब पूरे इंडिया में ना जो मुगल की किंगडम थी उसकी देयर आफ्टर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया में उड़ीसा में पहली फैक्ट्री डालती है मद्रास में सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से गोल्डन फरमान ले लेता है 1632 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा चंद्र की इनको तो पूरा मद्रास उठाकर फैसल डे को जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं देर आफ्टर सेंट फोर्ट जॉर्ज बनता है जो एक फोर्ट बिल्ड किया जाता है अच्छा मैं बा, बा, फोर्ट विलियम्स का अभी भी डाउट में क्लियर कर देता हूँ सेंट फोर्ट देवनापट्टनम है इसी के बाद में नाम चेंज कर दिया गया सेंट सेंट फोर्ट फोर्ट डेविड और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि डिप्लिस ने वापस से मद्रास ले लिया था सिक्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में डाली किससे परमिशन ली सुल्तान सूजा से ये सारे पॉइंट क्या है कि सर ये इसको छोड़ दो इसको इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं ये तो मैंने शॉर्ट नोट्स में भी इंक्लूड नहीं किया इंपॉर्टेंट नहीं ये इंपॉर्टेंट है कि जॉब चार लोग ने फैक्ट्री आई सूतनाती में और उसी को फोर्टिफाई कर दिया बेसिकली क्या है एक फैक्ट्री है मतलब मैं एक जगह एक फोर्ट पहले से तैयार है ठीक है ये एक तैयार फोर्ट ही है फोर्ट विलियम्स ये बिल्ड फोर्ट नहीं है जिसको फोर्टीफाई किया है ने बस। ये पहले से तैयार है किलेबंदी करिए ये एक तैयार फोर्ट था जिसका ऐसा देखो फोर्ट डेविड और, और फोर्ट विलियम दोनों ही पहले से तैयार फोर्ट थे ठीक है बस ये कि उस पर्टिकुलर फोर्ट का नाम इन्होंने फोर्ट नामियम कर दिया बिल्ड नहीं, बिल्ड नहीं किया बिल्ड सिर्फ एक ही किया था सेंट तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कंफ्यूज तो मत होना फिर इसके बाद अजीम शाह ने सूता ना कालीकटा गोविंदपुरा की परमिशन दे दी तीन विलेजेस की परमिशन दे दी ठीक है बारह सौ रुपए के ऊपर फिर बंगाल फैक्ट्री और प्लेस फिर फोर्ट विलियम्स ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यह सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है टेंशन मतलब शॉर्ट नोट्स आप देख लेना अगर आपको खुद के शॉर्ट नोट बनाना तो मेरे शॉर्ट नोट्स आपके लिए एक रेफरेंस हो जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है देयर आफ्टर हुगली औरंगजेब के टाइम में कब्जा करा औरंगजेब में दौड़ दौड़ा के इनको मारा लेकिन फिर इनको परमिशन दे दी क्योंकि औरंगजेब को अपना फायदा दिख रहा था फरूब शाह ने रॉयल फरमान दिया रॉयल फरमान के सारे प्रिवेलेज आपके लिए सारे ए टू जेड सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोबारा दिला देता हूँ बंगाल कस्टम फ्री हैदराबाद में क्या बोला गया कि भैया हैदराबाद के अंदर अगर तुमको ट्रेड करनी है तो जैसे पहले फ्री में करते वैसे आप फ्री में करो अच्छा मदद से बोला कि जो एक्जिस्टिंग रेंट है वो दो अच्छा सूरत में क्या बोला सूरत में बोला आपको एक बार के लिए कितने दिन पड़ेंगे

एंड सीरमपुर वॉज ट्रांसफर टू डैनश क्राउन तो सीरमपुर को कहा भेजा था क्राउन को दे दिया था है जो सीरमपुर जो है यही एक जगह इंगली इंपॉर्टेंट है पूरे डेनिश के अंदर फेमस फॉर द कल्चर एंड एजुकेशन एक्टिविटी ऑफ द मिशनरीज 1845 में डेनमार्क सीडेड सीरमपुर टू द ब्रिटिश एंडिंग नियरली वन बेसिकली मैं कुछ याद आता हूँ दो ही पॉइंट आता है बस पूरे इस डेनिश के अंदर एक तो ये दो नहीं तीन पॉइंट पहला पॉइंट तो ये ट्रेंट टू बार ट्रेडिंग आउटपोस्ट दूसरा पॉइंट एक जो कॉलोनी बनी कॉलोनी का नाम क्या था फेड्रिक नगर तीसरा बेस कहाँ था सीरमपुर बस खत्म डेनिश खत्म ठीक है फ्रेंच बातें अब ये फ्रेंच हमारा आखिरी टॉपिक होगा आज की क्लास का एक फ्रेंच के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंच में जो कंपनी है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ज्यादातर लोगों को तो फ्रेंच आती नहीं फ्रेंच हम लोग बहुत कम ही सुनते हैं कुछ जगह बॉलीवुड मूवी में जरूर आपने फ्रेंच सुना होगा उसके अलावा आता नहीं है और दूसरा फ्रेंच में तो इंडियन को तो क्या ये फ्रेंच लैंग्वेज तो वैसे वोट ऑफ होती है चलो तो कैपेनी डेज एंडस ओरियंटलिस अजीब गरीब नाम है अच्छा बेटा राघवेंद्र मशीन झेल लेते तो ये झेल लेंगे ठीक है तो मुझे बोलना तुझे तो कंपनी का नाम है कैपेनी डेज इंडस ओरिएंटलिस है ना एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आप सब करते हैं हाँ तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में क्या है कि ये ट्रेडिंग कंपनी फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी है इसको इसका जो फॉर्म किया था कॉल वो कॉलबर्ट नहीं नाम इंपॉर्टेंट है सिक्सटी सिक्स के अंदर वही वाली बात जिसमें इंडिया का जो इस, आ उसी टाइम इंडिया गए लोग इनको जो ट्रेडिंग लाइसेंस इंडिया और ईस्ट इंडीज ईस्ट इंडीज मतलब पूरा इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह उसको किंग लुइस फोर्ट ने दिया तो दो नाम इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट हैं कॉलबर्ट किंग लुइस फोर्ट फ्रेंच ने फैक्ट्री का को पहले ट्रिक बता दिया कैसे ट्रिक थी इंग्लिश का उल्टा वहां मसूलीपट्टनम सूरत या सूरत मसूलीप्टनम तो पहली फैक्ट्री सूरत में सिक्सटीन में दूसरी और इसके दो साल बादप uh, में जो कैन है उसके डायरेक्टर जनरल होते हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं फ्रांसिस मार्टिन अब ये जो फ्रांसिस मार्टिन है इनको एक विलेज मिल जाता है एज अ ग्राउंड शेर साल लोधी जो बीजापुर के किंग थे उनसे और उस जो गांव है उस विलेज को ये एक सिटी की तरह बना देते हैं और सिटी का नाम आगे जाकर बता पौंडीचे अब आप, आप समझ पा रहे हो कि मैंने पोंडीचेरी पुंडिचेरी बोला ना वर फर्स्ट टू स्टेबलाइज देयर बेस एज पोंडीचेरी वो क्यों मैंने अभी डाउट पुंडिचे रखा है क्योंकि भैया जब सिटीज फाउंड इन्होंने करी किसने फ्रेंच ने तो पुर्तुगीज बड़ा बड़ा मतलब ऐसा अजीब गरीब है तो करेंगे इस पर बाद में बात करेंगे ढंग तो से रिसर्च करेंगे क्योंकि तो इतना लंबा सेशन होता है दिन भर अलग चीजों को करने में कि टाइम नहीं मिल पाता मिल पाता चीजें करने का अगर आपको किसी को टाइम होता है यार इतना तुम ऑनलाइन फटाफट फालतू की चीजें सर्च करते रहते हो ठीक है

दाउन चंद्रनर तो दो चीजें इन्होंने भी बना दी दो नगर दो सिटी इन्होंने कर दी दोनों सिटी के नाम आगे इतने इम्पोर्टेंट होने वाले और आधे से ज्यादा लोगों तो पहले ही बताया कि सर यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने पहले सुना रहा है चंदेनगर पहले सुना हुआ है ना चंदेरनगर तो सुना ही होगा मैंने पहले बहुत बात कर चुका हूँ इस बारे में फील क्राइस और दूसरा पौंडीचेरी तो दोनों स्टेबलाइजमेंट का जो क्रेडिट है फ्रेंच को जाता है सिक्स अब यह सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट मैं फिर बोल हूँ फ्रेंच ब्रिटिशर से भी बड़ा है और इसमें इतनी भी कर्नाटिक आएंगे तो आपको देखिएगा कितनी पिक्चर काफी कुछ जो आपको पहले पढ़ा था उसमें काफी कुछ एडिशनल मिलेगा नाइनटी थ्री के अंदर डच ने क्या करा पॉन्डिचरी छीन लिया बट इट वॉज रीस्टोर टू देंच अंडर दिटी ऑफ द रेसिफिक तो ये एक ट्रिटी का नाम इम्पोर्टेंट ट्रिटी ऑफ रेसिफिक इस ट्रिटी के अंदर डच जो है वो फ्रेंच को वापस से पोडिचोरी लौटा देते हैं तो आपसे क्वेश्चन है कि ट्रिटी ऑफ रैशविक

ट अफेयर में काफी रहता है तो मॉरिशियस और यूनियन पर भी फ्रेंच का कब्जा था है आ, उसके बाद फ्रेंच फर्दर कंसोलिडेट देयर पोजीशन बाय एडिंग सेवरल बेसिस इंक्लूडिंग दी माहे कार्यकल बालासर कासिम बाजार तो ये छोटा मोटा पॉइंट है कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है तो ये फ्रेंच के बारे में दो या तीन पॉइंट रहे दोबारा याद करा देता हूँ पहला पॉइंट जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट है बता रहा आपको कि कंपनी का नाम इंडस ओरियंटल कंपनी का नाम इंपोर्टेंट है प्री के हिसाब से किसने फॉर्म करी कॉलबर्ट ने किंग कौन था किंग लुइस फोर्थ था तीन पॉइंट तो यहां हो गए यही तो मैं आपको पहले याद करा चुका हूँ पहली फैक्ट्री खाड़ा डाली उल्टा कर दो इसका सूरत में और मसूलीप्नम में ठीक है जो सूरत में पहली फैक्ट्री उसके डायरेक्टर ने कौन थे फ्रांसिस कोरेन बाद में इनको रिप्लेस करने कौन आया फ्रांसिस मार्टिन इसने क्या करा एक गांव ले लिया ग्रांट में किससे शेर साल होती जो बीजापुर के किंग थे किंग ऑफ बीजापुर ठीक है और उसको बना दिया उन्होंने पौडिचेरी ठीक है जिसको फ्रेंच की कैपिटल बोला जाएगा आने वाले टाइम में प्लस इन्होंने चंदेर नगर को भी स्टेबलाइज करा बंगाल के पास में छोटी सी साइट थी उसको एक गांव की तरह बनाया बाद में शहर बन गया चंद्रनगर तीसरा पॉइंट ट्रिटी ऑफ रैशविक और फ्रेंच के बीच में डच ने वापस से दी जो उनसे कब्जा कर लिया मॉरिशियस यूनियन पर इनका कब्जा था और है लास्ट का पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं मॉरिशस यूनियन में किस तरह से इंडिपेंडेंट मिली है क्या उनके बीच पंगा चला है किस तरह से रेफरेंडम हुआ इसके बारे में कभी टाइम मिल जाएगा तो मैं डिस्कशन कर लू अदरवाइज आप एक काम करेगा कि इंडिपेंडेंट कैसे हुए कैसे फ्रेंच के कब्जे में कब तक रहे उसके लिए आप एक काम करें क्लास खत्म होगा थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर लेना आगे है कर्नाटक वार छोटी सी है कितना बड़ा है कर्नाटक वार के बारे में ज्यादा बड़ा तो नहीं है कितना बड़ा है रे अरे मरे नहीं चलो मतलब बड़ा है काफी बड़ा है अभी तो आओ तो अब बात करते हैं कर्नाटिक वॉर के बारे में ठीक है 1744 से 76 लगभग 20 साल ड्यूरेशन इसकी अब ये कर्नाटिक वॉर क्या है ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल है मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए पिछली बार जो सीखा था उससे काफी ज्यादा इस बार बैकग्राउंड एड होने आइए जरा सीखते हैं ढंग से क्या क्या है तो सबसे पहली चीज की ये एंग्लो फ्रेंच जो वॉर है इसका मेन एरिया कहाँ था कहाँ मतलब ये जो कर्नाटिक वॉर है नाम से बता रहा कर्नाटिक साउथ इंडिया तो साउथ इंडिया में अरेन ऑफ एंग्लो फ्रेंच रेवली की क्वेश्चन आता है साउथ इंडिया ही क्यों तो इसके कई सारे जवाब तो आपको पहले ही पता है मुगल का डोमिनेंस से दूर रहेंगे साउथ इंडिया में पावर कमजोर है दोबारा लिख लेते हैं बिकॉज इट बिकम द मेन सेंटर ऑफ द फ्रेंच एक्टिविटी एज पौडिचेरी एज मतलब पौंडीचेरी कैपिटल था तो फ्रेंच मेनली कहाँ पे बैठे हुए हैं साउथ इंडिया में वो भी साउथ इंडिया में वो ईस्ट ब्रिटिशर्स भी वहीं पे तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही था तो जो वेस्टर्न इंडिया है वहां बहुत पावरफुल मराठाज हैं उनको आसानी से हराएंगे नहीं क्योंकि आप याद करो इनके ड्यूरेशन क्या है मराठा कब खत्म ना तो एक तो ये पॉइंट है दूसरा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां भाई साहब कौन बैठे हुए हैं अलवर्दी खान ईस्टर्न तो इंडिया में अलवरदी खान बैठे हुए हैं तो वहां भी कुछ ज्यादा स्कोप नहीं बंगाल 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 में अलवरदी खान कैसा है अलवरदी खान अफसर डायनेस्टी स्टेबलाइज करी अलवरदी खान के बाद कौन है सिराजुद्दौला किसको हरा के सौकन जंग के कौन सी बैटल में बैकर बैटल ऑफ शकरखेड़ा या कोई और अगर शकरखेड़ा नहीं हो तो कुछ और तो बताना अगर शकरखेड़ा हो तो कुछ मत बोलना गहरी फिर चौथा रीजन क्या है कि, कि कंडीशन इन दिस साउथ इंडिया बिकम फेवरेबल स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ द निजामी फोर्टी 1748 तो ये भी काफी अच्छी चीज है कि मतलब अच्छी चीज उनके हिसाब से क्योंकि जो मेन हैदराबाद की पावर थी वो तो खत्म होगी अब उस पूरे ध्यान से सुनिएगा तीनों वार को तीनों वर को तीन तरीके से पढ़ेंगे एक एक रीजन क्यों हुआ एक एंड किस तरह से खत्म हुई और एक बीच की ड्यूरेशन ठीक है तो सबसे पहले फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रीजन क्या था तो इसका रीजन था वॉर ऑफ ऑस्ट्रेन सक्सेस ब्रोक इन द यूरोप इन 1740 बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड परसिया अब इस बैटल में क्या हुआ इस बैटल में ये जो भाई साहब है ना आजारे पेन कहा गया ये जो भाई साहब है ये

ले सेंट जॉर्ज कौन सा है ये वही फोर्ट है ईस्ट इंडिया ने ब्रिटिश है ईस्ट इंडिया ने तो इसको कैप्चर होता है वो था ऐसा बंदा अब इसको नाम आपको आगे, आगे सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में भैया बहुत आगे डेंजर बंदा है लेकिन इसको पकड़ और टॉर्चर किया जाता है तो खुन्नस तो रहता है तो रॉबर्ट क्लाइव याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव भी उन बंदों में था प्रिजनर ऑफ वॉर्स में था सेंट फॉरजोर्स को जो कैप्चर किया था उनमें से देर आफ्टर अब इंग्लिश डर गए इंग्लिश की पावर उतनी तो इन्होंने अपील करी किसके साथ नवाब अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन कि भैया आओ हमारी मदद करो तो इस नवाब अनवरुद्दीन ने पहले बोला फ्रेंच को चुपचाप से खाली करो और निकलो यहां से ऐसा क्यों बोला क्योंकि मद्रास थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कर्नाटक की काम करी मतलब वो पूरा सपोर्ट मेरा अलाइज बोल सकते हो आप फ्रेंच ने मना कर दिया कि हम तो नहीं जाने वाले तुमको जो खाणा उखाड़ लो तो यहां होती है फर्स्ट जो बैटल की उसको बोला बैटल अभी अभी बैटल ऑफ सेंट थॉमस हो रहा है अभी तक हम इसको फर्स्ट वॉर नहीं बोले फर्स्ट कर्नाटिक वॉर नहीं बोल रहे मतलब अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में डायरेक्ट कोई वॉर हो रही है नहीं अभी डायरेक्ट कोई वॉर नहीं हो रही बैकग्राउंड है अभी कि बैकग्राउंड कैसे हो रहा है ठीक है तो बैटल होती है बैटल ऑफ सेंट थॉमस पहले आप यहां तक का कुछ नोट करना चाहे तो लिख लीजिए मैं लिखने का मौका देता रहूंगा में ना सो बैटल ऑफ सेंट थॉमस होती है 1746 में अब इसमें क्या होता है ये नवाब नवादी गुस्से में आ जाता है ये अच्छा मेरी बात नहीं, नहीं। रुको बताता ये हजार इंडियन से, आ, को लिखा था, हजार। हजार था। नौ सौ तीस लोगों का मट्टी पले कर देंगे यही होना चाहिए ना लेकिन उल्टा हुआ क्या हुआ नौ सौ तीस लोगों ने दस हजार की सिपाही करा दिया सपाई लिखा हुआ भाई साहब बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया अब इससे क्या होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी मैं प्रॉब्लम समझाता एक तो ये कि इंडियंस की औकात समझ में आ जाएगी यूरोपियंस को फ्रेंच को ये तो जिनसे तो लड़ना आता ही नहीं है दस तो दस हजार हमारे कुछ नहीं कर पाए हम एक पाया और दूसरी जो डुप्लेसिस है जो फ्रेंच को लीड कर रहा है वो भाई साहब बाहुबली बनकर निकल जाएगा सामने ठीक है लोगों को लगेगा यही डुप्लेसिस है काम का तो अब क्या होगा जब दो राजाओं के बीच में सक्सेशन को लेकर बैटल होगी कि राजा तू बनेगा कि मैं बनेगा तो डुप्लेसिस डुप्लेसिस को बुला लेंगे आएगा किसी एक राजा को सपोर्ट करेगा दूसरे को हराएगा डुप्लेसिस बहुत पावरफुल होता जाएगा और ये चुपचाप से कौन दिख रहा होगा रॉबर्ट क्लाइव वही जो पकड़ा था अभी वो इसको और भी एक्सट्रीम लेवल पे आगे लेके जाएगा फूड डालो राज करो की नीति जो है रॉबर्ट क्लाइव को यही डुप्लेसिस से समझ में आएगी कि दो प्रिंसेस के बीच में अगर आप घुस जाओगे तो आपको उसका पावर मिलेगा और जो प्रिंसेस जीतेगा वो बदले में आपको विलेजेस देगा जमींदारी देगा और धीरे धीरे आपकी पावर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा बात समझ में आएगी रॉबर्ट बट ये इंप्लीमेंट करने वाला पहला बंदिस था इस बैटल के बाद तो रिजल्ट क्या रह? रिजल्ट रहा दुपीर इन पोलिटिकल चाउस इंडियन प्रिंस स्टार्ट इन वाइटिंग डिप्लेसिस स्के इन दियर फेवर मैंने आपको दिस टेक्निक इंडियन रूलर एंड देयर बाई एक्रिंग पोलिटिकल कंट्रोल लेटर प्रिफर्ड बाई द इंग्लिश कंपनी फूट डालो राज करो रॉबर्ट क्लाइव मेनली ठीक है बैटल ऑफ कहानी आपने देखी मीर जाफर वाला किस्सा फिर आती है एंड ऑफ ये पूरा ड्यूरेशन पढ़ लिया आपने अब आते हैं एंड ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की कैसे पहली कर्नाटिक वॉर खत्म होती है तो ये खत्म होती है ट्रीटी ऑफ एक्सिला चप्पल चप्पल है ना फोर्टीन सेवन फोर्टी एट में जब निजामुल मुल्क की डेथ होती है जब हमारे मोहम्मद सारंगीला भी मारे जाते हैं उसी डन में ये ट्रीटी साइन होती है वहां यूरोप में जो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन चल रहा है वो खत्म हो जाता है तो यहाँ भी ऑटोमेटिक वार एंड हो जाती है तो इस वॉर के एंड होने के बाद रिजल्ट क्या होता है आपको जो मद्रास की फैक्ट्री ली थी आपने छीनी थी वो आपको वापस दे देते दे हैं दे आप एक काम करो फ्रेंच ने बदले में के लिए ल्यूजबर्ग जो है ल्यूजबर्ग जो है पर नॉर्थ अमेरिका में वो इनको मिल गया मैं ऐसे पीछे कर रहा हूँ जैसे मेरे पीछे नॉर्थ अमेरिका हाँ मेरे पीछे नॉर्थ अमेरिका होना हो तो

ऑस्ट्रिया को कौन सपोर्ट करता था ब्रिटेन परसिया को कौन सापोर्ट करता था फ्रांस ये आपका दूसरा पॉइंट होगा इम्पोर्टेंट जो नोट माना चाहिए था तीसरा ड्युप्लिस को मदद करने के लिए कौन आया था ल्यू बॉर्डबनिस जो मॉरिशस का गवर्नर था ठीक है यहां तक आया क्या कैप्चर किया इन्होंने सेंट फोर्ट जॉर्ज जो मद्रास में वो कैप्चर किया किस डेट को कैप्चर किया है? तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट ये इंपोर्टेंट है नवाब अनवरुद्दीन कर्नाटक उसने बोला मान जाओ नहीं माना तो इस नवाब अनवरुद्दीन वर्षिस फ्रेंच के बीच में लड़ाई होती है उसको फ्रेंच जीत जाते हैं

तो ये कि सबसे पहले डायनेस्टी फ्यूड इंडिया साउथ इंडिया में स्टार्ट करता है अब डायनेस्टी फ्यूड समझने के लिए थोड़ा सा ना बैकग्राउंड समझते हैं अब अच्छे से बैकग्राउंड कर्नाटक का बैकग्राउंड याद करो कर्नाटक में क्या था कि नवाब सदअला खान कर्नाटकी ना वो डेप्य गवर्नर तो डेप्य गवर्नर था डेप्य गवर्नर था कर्नाटक का नवाब नब उसने आपको इंडिपेंडेंट कर लिया निजामुद्दुल्ला से ठीक है ना जो नवाब निजाम हैदराबाद थे तो उससे आपको अलग कर लिया कि नहीं भैया मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करूंगा और खुद का सक्सेसर अपॉइंट कर दिया दोस्त अली को

तो बैकग्राउंड क्या है कि नवाब सदो जो कर्नाटिकी के उन्होंने दोस्त अली को अपना सक्सेसर है जो है खुद को, को दोस्त अली को मार देते हैं और उसका जो दामाद है चंदा साहिब उसको प्रेजिडेंट बना के लिया है कहां पे सतारा रे सत्रह सो में ठीक है जेल में बंद है दोस्त अली मारा जा चुका है और निजाम बैठा हुआ निजाम अच्छा बेटा मेरे मर्जी के खिलाफ तूने अपॉइंट किया था ना खुद को बनाया था इंडिपेंडेंट तो अब निजाम के पास मौका आ गया तो निजाम क्या करता है? को बना देता किसका कर्नाटका का नवाब मतलब तो अपॉइंट कर देता है दो इवेंट होते बड़े इवेंट होते हैं एक तो निजाम मारा जाता है निजाम मतलब दूसरा चंदा साहिब को मराठा छोड़ देते हैं अब निजाम मर गया तो निजाम के मरने के बाद उसका सक्सेसर सक्सेजर चाहिए जंग लेकिन जो नसीर जंग का भी बेटा था जो ग्रांड सन था मतलब निजाम का मुजफ्फर जंग वो बोलता नहीं थ्रोन पे मुझे बैठना है नसीर जंग को नहीं मतलब बाप के नहीं खुद बैठना चाह रहा है तो अब दो इवेंट होने वाला है देखो अब दो चार लोगों को नाम बता दो मैं चार लोग नाम सुनो अनवरुद्दीन कौन कर्नाटिका का नवाब चंदा साहिब जेल से छूट गया आया और वो चाहता कि मैं खुद बनू कर्नाटिक का नवाब अनवरुद्दीन कहां से आ गया इसको तो निजाम ने बढ़ाया ये कहां से हो गया तो वहां कीड़े कर रहा है ठीक है दूसरा नसीर जंग जो निजाम के बाद सिंहासन पे बैठा है और उसका बेटा खुद बैठना चाह रहा है तो चार लोग हैं नसीर जंग मुजफ्फर जंग अभी फिलहाल थ्रोन पे कौन बैठा है अनवरुद्दीन इधर नसीर जंग थ्रोन पे कौन बैठना चाह रहा है चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग और आपको पता है जब भी कोई थ्रोन पे बैठना चाहता है बैठ नहीं पाता है तो कहां जाता है या तो ब्रिटिश के पास जाएगा या फ्रेंच के पास जाएगा अभी इस वक्त ये किसके पास जाना पसंद करेंगे डुप्लेसिस क्योंकि पावरफुल में तो वही है ना अभी तो ब्रिटिश का पिक्चर भी नहीं है

अब चंदा साहिब अनवरुद्दीन को तो मार देगा फ्रेंच की मदद से ऑब्वियसली बात है जंग का सपोर्ट मिल ही रहा है लेकिन जो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली जो एक्चुअल में अनवरुद्दीन के बाद में सिंहासन पर बैठता वो भाग के चला जाता है अब ये भाग के जाएगा अब सोच देखो इस मौके को दूर से बैठ के कौन देख रहा होगा ब्रिटिशर्स वो बोला अच्छा बेटा सही मौका है ड्यूपले इंटरफेयर कर रहा, अब हम भी घुसते हैं इसके अंदर तो ये जो मोहम्मद अली भाग के जाएगा ना इसको सपोर्ट करने के लिए कौन आएंगे ब्रिटिशर्स आएंगे थोड़ी देर में देखिएगा पिक्चर में तो चंदा साहब बिगेन नवाब जाता चंदा साहब का तो हो गया पूरा रिवॉर्ड फ्रेंच हैं और ले लो, इनको। तो इनाम दे दी फ्रेंच को डुप्लिस को फायदा मिल गया वो मतलब इंटरफेयर करो फायदा लो अब अभी तक ये बैटल ऑफ अंबूर बिगेनिंग नहीं है बिगेनिंग अब होने वाली है अलायंस के साथ कैसे अंदर इंटरफेयर करेंगे अब ये होने वाला है देखिएगा तो बिगेनिंग ऑफ वॉर कैसे हुआ अलायंस वन जो है ये पहला वाला जो बना है, ये मार देगा नसीर जंग को कौन नसीर जंग वही मुजफ्फर जंग का बाप मतलब अपने बाप को मार देगा ससुरा ठीक है और खुद बैठ जाएगा सिंहासन पे अब देखो क्या हुआ अनवर उद्दीन जो सिंहासन बैठा था उसको चंदा साहब ने मार दिया नसीर जंग जो सिंहासन बैठा उसको मुजफ्फर जंग ने मार दिया ठीक है अब यहां तक पिक्चर ठीक है ये जब मुजफ्फर जंग सिंहासन बैठेगा तो ये भी कुछ रिपोर्ट देगा फ्रेंच को हाँ भाई साहब ये भी देगा क्या देगा इनको बोलेगा मुगल के जितने भी प्रोविंसेस है साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा कृष्णा के साउथ में उधर तो फिर तो मुगल का कंट्रोल था बट रिवर्स कृष्णा के साउथ के जितने भी उसका गवर्नर किसको बना दिया इसने ड्यूप्लेसिस को एक तो ये करा दूसरा काम क्या करा इसने कि जितनी भी टेरिटरी थी पौंडिचेरी के पास में नियर पंडिचेरी एज वेल एज फेमस मार्केट टाउन मसूलीपटनम वो भी फ्रेंच को दे दी मसूलीपटनम भी तुम संभालो और जो पंडेचेरी के आसपास की जो टेरिटरी वो भी तुम संभालो अस्सी विलेज तो पहले ले ही चुका चंदा साहिब से पौंडिचेरी के पास की और टेरिटरी इसने दे दी मतलब पौंडिचेरी तगड़ा बेस बनता जा रहा है इनका बदले में क्या हुआ बदले में डुप्लेसिस ने मुजफ्फर जंग के पास में भेजा अपना बहुत ही काबिल ऑफिसर मार्कस डी बिजी मार्कस डी बिजी ये एक और फ्रेंच आर्मी के साथ ये काफी बंदा होने वाला आगे देखिएगा काफी इम्पोर्टेंट बंदा होने वाला है और जो इंग्लिश के लिए काफी भी मतलब एक बाद में एक चीज रहेगी कि जब ये डुप्लेसिस चला जाएगा यहाँ से तो डुप्लेस जगह पे ल, आ, लेली आएगा लेली 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 है ना मैंने नंबर बता रहा रूट रूट वाला तो लेली क्या करेगा इस बसी को बुला लेगा यहाँ से डुप्लेसिस यहाँ से मुजफ्फर इसके पास से मुजफ्फरजंग के पास है अपने पास बुला लेगा, डर रहा होगा ना तो जब आ जाएगा तो आराम से वो इसके अभी हूं, अब जंग जो बेचारा अपने बाप को मारता है वो गलती से मारा जाता है एक्सीडेंटल मतलब इसकी डेथ हो जाती है तो बसी क्या करता है इसकी जगह पे इसका जो नॉमिनी है सलबत जंग उसको थ्रोन पे बैठा देता है तो यहाँ तक अभी थ्रोन पे कौन आएगा सलबतजंग अब पिक्चर को दोबारा समझने की कोशिश करो कर्नाटक की क्या पिक्चर थी अनवरुद्दीन किसने मारा चंदा साहिब अनवरुद्दीन का सक्सेसर कौन था अनवरुद्दीन का सक्सेसर कौन था अनवरुद्दीन का सक्सेसर था मोहम्मद अली जो भाग्य का चल जाएगा ब्रिटिश के पास जाएगा वहां तक ये पिक्चर क्लियर है अब आइए हैदराबाद में हैदराबाद में कौन था नसीर जंग तो नसीर जंग का सक्सेसर तो यही तो होगा मुझे फिर जंग. <laughs> और तो कोई होगा नहीं तो नसीर जंग मर गया तो सक्सेसर तो यही तो वहां तो कोई है नहीं दूसरा के छोड़ता के मैं बैठूंगा और जब ये मर गया तो इसका सक्सेसर कौन आएगा सलबर जंग तो कोई मोहम्मद अली जैसा बंदा नहीं है

सिंहासन में बैठेगा तो ये भी वही करेगा जो हर हरकर, को किया जो चंदा साहिब ने किया जो इसके बाप ने किया मतलब इसके जो, नौ, जो 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 किंग मुजफ्फर उन्होंने किया ये क्या करेगा नॉर्थन सरकार से चार, चार डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा मुस्तफा नगर एल्लोर राजामुंद्री एंड चिक्का कोले ये चारों डिस्ट्रिक्ट उठा के दे देगा इसको किसको फ्रेंच को फ्रेंच को मतलब बसी को जो अभी फिलहाल इनके पास बैठा हुआ बसी समझ रहे हैं बसी कहां से पिक्चर में ये वाला बसी मोरिस्कुस डी बजी ये कहां से आए थोड़ा ध्यान से देखो जब मुजफ्फरजंग बैठा सिंहासन पे तो उसने डुप्लेसिस को ये सब कुछ दिया कृष्णा गेर के अंदर तुम्हारा सब कुछ है पटनम भी दे दिया पंडित जी के पास बैठी तो बदले में फ्रेंच ने डुप्लेस क्या करा अपना एक ऑफिसर तो कुछ आर्मी को बैठाई कहाँ पे निजाम मतलब हैदराबाद के अंदर तो इसी पर्टिकुलर बंदे को ये क्या दे देगा अभी नॉर्थर्न सरकार की पावर भी दे, दे देगा मतलब बंदे देने का मतलब होता है फ्रेंच पूरी आर्मी होती है फ्रेंच पूरी गवर्नमेंट होती है तो नाम तो रिप्रेजेंटेटिव होता है बंदा यहाँ था ठीक है मीन वाइल वो मोहम्मद अली जो भाग के गया था वहां की मदद मिलती है उसको तो और ये लगातार अटैक करता है इसको मारने का बट मार नहीं पाते हैं अभी अभी अब ब्रिटिश की एंट्री होने वाली है तो एंट्री ऑफ द्रिटिशर्स अब कुछ वाई तो इसका रीजन है ब्रिटिश बैठ के दूर से पूरी पिक्चर देख ही रहते हैं उनको पता है कि इन फ्रेंच ने क्या किया था फर्स्ट आ, एंग्लो फ्रेंच वॉर के अंदर पता ही उनको अच्छे से कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था हमारा जो सेंट फोर्ट जॉर्ज है वो पूरा कब्जे में ले लिया था तो खुन्नस तो थी इनको समझ में आया कि ब्रिटिश जो फ्रेंच है वो अपनी पावर को बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा रहे हैं ये मौके पर चौका मारते हैं और मोहम्मद अली को अपने साइड में लेता मतलब सेकंड अलायंस बन गया पहला अलायंस को पता ही था कौन सा था सेकंड अलायंस कौन सा आएगा ब्रिटिशर प्लस मोहम्मद अली ब्रिटिश में भी मेन कौन वही रॉबर्ट क्लाइव जिसको मारा था डिप्लेस ने ठीक है वही रॉबर्ट क्लाइव पकड़ा था

इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर क्लाइव आसानी से चंदा साहब को हरा देता है ब्रिटिशर्स फोर्स लेड बाय बाई दॉरेंस रिलीफर वहां पर उसको मोहम्मद अली को मारने के लिए वो लगे पड़े चंदा साहब की आर्मी वहां पे भी ब्रिटिशर आर्मी पहुंच जाती है अंडर दी स्टिजर लॉरेंस ये बंद, पर्टिकुलर बंदा लेड कर दिया था और उनको भी मार मुर के भगा देता है और मोहम्मद अली को सक्सेसफुल बचा के ले आते हैं अब मोहम्मद अली बच गया चंदा साहब को निपटा दिया निपट जाएगा ये देखो चंदा साहब बी एडेड सर उड़ा दिया किसने राजा ऑफ ट्रेवन जो उनको सपोर्ट कर रहा था इस पर्टिकुलर बैटल में ब्रिटिशर्स का और फिर ये बैठा देंगे मोहम्मद अली को कर्नाटिका के सिंहासन पे ठीक है तो मोहम्मद अली अनडिस्प्यूटेड नवाब अविद कर्नाटक बनकर तैयार हो जाता है तो ये रही पूरा इवेंट ये रहा सेकंड वॉर के बारे में इस सेकंड वॉर के बारे में थोड़ा सा डुप्लेसिस का नाम होता है खराब क्योंकि डुप्लेसिस के क्या दिक्कत रही कि वो जो तो पर्टिकुलर टेचन पोली में जो जो छुपा होता है मोहम्मद अली उसको पकड़ नहीं पाता है उसको पर्टिकुलर फोर्ट को जीत नहीं पाता है और दूसरा कर्नाटक हाथ से चला जाता है तो इसकी वजह से ये जो फ्रेंच है ये डुप्लेसिस को वापस बुला लेते हैं तुम आओ तुम्हारी बस्की नहीं है तुम्हारा हो गएगा तुम बुड्ढे हो गए आ जाओ और यही इनकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक रहती है ये वापस चला आता है इसकी जगह पर जो आता है वो आता है गोदू। अब एक गोदो इतना सक्सेसफुल होता नहीं इतना कुछ पावरफुल नहीं होता ना इसकी पॉलिसी कुछ इतनी होती है और आसानी के साथ ये होता है ना कि पूरे अपनी जो फ्रेंच आर्मी की जो पावर को खत्म करना इजिली ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर देते हैं अब यहाँ होती है ट्रीटी ऑफ पॉंडिचरी 1755 के अंदर यही गोदू जो सरेंडर कर दिया और ब्रिटिश के बीच में इसमें क्या ट्रीटी साइन होती है कि दोनों एग्री करते हैं कि आप कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे किसी प्रिंस जो जो दोनों राजा वजा लड़ेंगे उनके बीच में हम दोनों में से कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा तो आफ्टर दिस ट्रीटी फ्रेंच कंटिन्यू टू मेंटेन देयर होल्ड ओवर हैदराबाद फॉर सम टाइम फिर भी फ्रेंच को रखा गया कि चलो तो तुम एक काम करो हैदराबाद वही हैदराबाद बसी किसके पास हैदराबाद का निजाम कौन था उस समय मुजफ्फर मुजफ्फर जंग मुझफर जंग मुजफ्फरजंग जगह कौन आता है सलबा जंग तो सलबा जंग के पास बसी को अभी भी रहने दिया जाता है तो अभी तक क्या हुआ इस सेकंड राउंड के बाद कि कोई रिजल्ट नहीं आया बट हाँ इंग्लिशर्स की थोड़ी सी एज आ गई एज कैसे आ गई कि डुपले से जा चुका है कर्नाटक के अंदर मोहम्मद अली बह चुका लेकिन हैदराबाद में अभी भी कौन है सरबत जंग है और सलबत जंग के बाद अभी भी कौन है बसी है वही फ्रेंच का जो ऑफिसर था जो डिप्ल स्टेशन अपॉइंट किया था तो अभी पूरी तरह से फ्रेंच खत्म नहीं हुआ है कर्नाटक किसी गए ना हैदराबाद में तो अभी भी है उफ, बता भी। तो मैं बात कर रहा कर्नाटक वर्ग के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दोबारा से दोबारा से थोड़ा सा फ्लैग ब्रिश में जाके देख लेते भैया क्या चीज है क्या नहीं है तो कर्नाटक वॉर के अंदर जो पहली वार्ड थी उसका रीजन क्या था

सदर तो उत् अपने जो सक्सेसर दोस्त अली को दोस्त अली को मार देता मा मराठा चंदा साहेब को प्रिजनर बना लेते हैं अनवरुद्दीन बैठा हुआ है कर्नाटक पे हैदराबाद में बैठा हुआ है निजाम निजाम की डेथ हो जाती है चंदा साहिब रिलीज होके आता है चंदा साहेब को बैठना है कर्नाटक पे बट अनवरुद्दीन की वजह से बैठ नहीं पाता तो वो चले आता फ्रेंच के पास सिमिलरली निजाम की जो नेक्स्ट सक्सेसर है नासिर जंग और जंग तो मुजफ्फरजंग जंग बैठना चाहिए था बेटा और जंग जो है वो बैठना चाहता है पोता है ना तो वो नहीं बैठ पाता कि पोता था वो, वो भी चला जाता है फ्रेंच के पास तो एक अलायंस बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंच का चंदा साहिब जो छूट गया है और हमारा जो पोता है कौन मुजफ्फर जंग ये तीनों का तो सबसे पहला काम क्या होता है अनवरुद्दीन को मारा जाता है अनवरुद्दीन खत्म हो जाता है उधर मुजफ्फर जंग को मार देता है तो अनवरुद्दीन की जगह चंदा साहिब बैठ जाता है मुजफ्फर जंग की जगह सॉरी नसीर जंग की जगह मुजफ्फर जंग बैठ जाता है नसीर जंग को मार के है ना तो यहाँ पे आ गया अब इसमें क्या होगा कि ये जो मुजफ्फर जंग होगा इसको एक्सीडेंटली गलती से इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी जगह किसको बैठा देंगे इसी के सक्सेसर सलबत जंग को तो सलबत जंग आ जाएगा जा तो वहां तो कोई पंगा नहीं है उसके प्रोटेक्शन के लिए किसको बैठा देगा बसी को तो बसी को छोड़ देगा उसके बाद भाई आप यहां पर अपने आदमी के साथ तो ये तो हैदराबाद की कहानी बट जो कर्नाटिक है उसमें क्या है जब अनवरुद्दीन मरता है तो उसके बाद चंदा साहिब आता है और चंदा साहिब अभी वहां मौजूद है लेकिन अनवरुद्दीन का सक्सेसर मोहम्मद अली जो है वो छोड़ के भाग जाता है कहां पहुंच जाता है ट्रिचिन पौली एक फोर्ट के अंदर वहां चंदा साहिब लगातार उस पर हमला करता रहता है कैसे भी करके इसको मार मारते इतने में क्या होता है रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी भेज देता है कर्नाटक के अंदर आरकोट के अंदर आरकोट में फिफ्टी थ्री डे का सीज होता है आप में पढ़ लीजिएगा इसके बारे में तो उस पर्टिकुलर सीज में ये कर्नाटक को बचा लेता है एंड फाइनली जो चंदा साहेब है उसको मार दिया था उसको जो रूलर ऑफ ट्रेवन को बीहेडेट है, करते हैं उसका सर उड़ा देते हैं तो चंदा साहे की पिक्चर होगी क्लोज मोहम्मद अली को बचा के ले आया था वापस से कर्नाटक में इंस्टॉल कर देते हैं तो कर्नाटक का अनडिस्प्यूटेड नवाब हो जाता है मोहम्मद अली जो बात करते हैं हैदराबाद पे तो हैदराबाद को पता ही है आपको कि मुजफ्फर जंग के बाद नेक्स्ट सलब जंग आ चुका था और वहां पे उसका जो उसके जो प्रोटेक्शन के लिए बस्सी को स्टेबलाइज कर दिया जाता है तो ये थी, थी सेकंड पिक्चर की पूरी कहानी जो मैंने आपको कल थोड़ी सी समझाई थी क्या टेटरी देख ली थी इसी में एक बैटल ऑफ अंबूर भी होता है में थोड़ा सा ध्यान रखेगा ट्रिटी में जिसको पीस ट्रिटी बोलते हैं क्योंकि क्योंकि ये डुप्लेस को वापस बुलाते हैं फिफ्टी फोर के अंदर इनको लगता है डुप्लेस की वजह से सब हो गया तो गोदू जी आते हैं पीस साइन करते हैं तो उसमें प्लीस्टीडियम में क्या होता है कि फ्रेंस को बोला जाता है कि आप हैदराबाद में रहो कोई दिक्कत नहीं अब हैदराबाद में जैसे वैसे रही तो अभी तक तो ये थी अब आते हैं हमारे अगली वॉर के ऊपर फर्स्ट वॉर होगी सेकेंड वॉर होगी और अब है थर्ड वॉर के ऊपर यहाँ तक आपने कल पढ़ लिया था ना थर्ड वॉर तो थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होगी थर्ड कर्नाटक वॉर स्टार्ट होगी सेवनटीन फिफ्टी सेवन और सिक्सटी थ्री के अंदर एक चीज क्लियर कर देता हूँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालूंगा दिसंबर में डालूंगा एक भी रिकॉर्डिंग जनवरी में डालूंगा आप लोगों को भी ठीक है तो आप अपने इनसे रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं बाकी रिकॉर्ड तो मत ही करूँ लेकिन क्लास में करना कंपलसरी है नहीं आओगे तो फिर कुछ ऑप्शन नहीं है मैंने सोच लिया पहले मैं सोचा डाल दू बट कोई रीजन नहीं होगा सुबह सात बजे आने का अगर सबको क्योंकि मैक्सिमम लोग क्यों नहीं आए कि सबको पता है रिकॉर्डिंग तो आने वाली है जैसे मेरे पास दो तीन मैसेज आ गया अभी जब मैंने चेक किया कि सर अभी क्लास पर जो भी रीजन दोनों दिए कि हम बट नहीं क्या हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको मुझे कोई बंदी नहीं करेगी ठीक है तो थर्ड कर्नाटिक वॉर पर आते हैं तो इसमें क्या होता है रीजन सबसे हमें देखा किसी भी बैटल को हम तीन तरीके समझेंगे कि उसका रीजन क्या था उसका एंड कैसे हुआ और बीच की क्या पिक्चर हुई तो इसका रीज़न क्या था कि सात साल की वॉर ब्रोकआउट हो गई कहाँ पर यूरोप में और अगेन वापस से हुई ब्रिटिश और फ्रेंच ने अलग अलग कैंप को ज्वाइन कर लिया तो ये तो इसका रीज़न रहा अब यहाँ पे ले लिया आता है नाम पे गौर करिएगा ऊपर वाले ने इसका नाम जैसा दिया इसका काम भी वैसे ही होगा ले ली यह इसकी मिलके जितने भी अभी देखिए देखिएगा अभी क्या होने वाला है इंग्लैंड भी फ्रेंच फ्रांस खुद भी तो ये जो लेली है अराइवल ऑफ काउंट दी लेली सेवनटीन फिफ्टी एट में आता है जो और उसकी जो गोदू की जगह डुप्लेस की जगह गोदू आए गोदू की जगह ये आएगा बट बाई दिस टाइम आपको पता है कि सेवनटीन फिफ्टी एट में आया और आपको अच्छे पता है सेवनटीन फिफ्टी सेवन के अंदर बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल जीत चुका है तो इंग्लिश वैसे ही बहुत पावरफुल हो गया ऑलरेडी बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद बंगाल पूरा उसके कब्जे में आ चुका है तो ये बात है इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम जो है इस समय लेली के टाइम पे फ्रेंच आर्मी फेस करती है प्रॉब्लम क्या है कि लेली जो भाई साहब है ये फो, फोर्थ सेंट डेविड पे अटैक कर देते हैं और डेविड आज जानते हो फोर्थ सेंट डेविड कौन सा है ये वही फोर्ट सेंट डेविड है जो याद करो आपको समझ में आएगा तो एक पर्टिकुलर फोर्ट हमने बॉट किया था ठीक है उसी का नाम चेंज करके फोर्थ सेंट डेविड कर दिया बताए कौन सा फोर्ट था वो कमेंट सेक्शन बताओ कौन सा था कल बताया था लिखो लिखो किसी को नाम याद आता तो कौन सा फोर्ट था डेविड इसलिए ना कॉपी पेन रख के बैठा करो साथ में इंपोर्टेंट पॉइंट है तो लिख लिया किसी को नहीं आता चलो आगे बढ़ते हैं तो लेली का जो अटैक था मद्रास पे वो फेल हो जाता है क्यों फेल होता है देखो फोर्थ डेविड तो ठीक है मद्रास पे अटैक करता है इसलिए फेल इसको जो सपोर्ट चाहिए था मॉरिशस और जो उसके फ्रेंच की तो अदर कॉलोनीज थी वहां से टाइम पे इसको पहुंचता नहीं और इतने में ब्रिटिश आर्मी अटैक करके इसका जो भी जो भी इसका अटैक किया था उसको कम्प्लीटली उसको मतलब फेल कर दिया भगा भका देते लोगों मार मुड़ के तो इनका जो पहला ये था कि लेली ने जो अटैक किया फोर्थ सैंडेविड पे और मद्रास के ऊपर वो फेलियर साबित होता है अभी देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आएगी दूसरा हथियार इनके पास है नहीं अम्यजन का शॉर्टेज आता है फंड है नहीं पैसा है नहीं लोगों अपने जो सिपाहियों को पैसा कहाँ से दें फिर ये जो लेली भाई साहब है इनका तो जो बिहेवियर था ना वो बहुत ही गंदा था आपने से था, बहुत ही गंदी गंदी तरह तरह बिहेव बिहेव करते, करते इतनी करते थे कि जब फ्रेंच आर्मी हारती थी किसी बैटल को ठीक है तो जो फ्रेंच के जो सोल्जर्स होते थे वो सपोर्ट करते थे वो तो हंसते थे मतलब वो सब के करते थे उसको, बिहेवियर सो ग्रेटली एलिनेटेड हिज सब ऑर्डिनेटेड दैट दे ओपनली rejoiced वेन ही वॉज रिफिटेड बाई द इंग्लिश तो ऐसा होना नहीं चाहिए बट ऐसा हुआ तो ये कहाँ से उठाते हैं मैंने ऊपर से यहाँ से उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ परमानेंट नेवल प्रेजेंट तो ये भी एक पॉइंट है इनके पास कोई परमानेंट नेवल प्रेजेंट नहीं था इनका मेन कहाँ पर डिपेंडेंट था आपने जो कॉलोनीज पे मॉरिशस वगैरह से जहाँ से नेवल सप्लाई के लिए इंडिया में नहीं था बल्कि ब्रिटिश का पर, इंडिया के अंदर परमानेंट नेवल प्रेजेंस मौजूद था कई सारी जगह पर वन लेली कमिटेड उसने क्या गलती करी कि बसी को बुला लिया वापस से निजाम के कोर्ट से अब जैसे जैसी बसी हैदराबाद है से तो वहां जो आर्मी का जो कमांडर है वो इतना कम पे, इतना कैपेबल था नहीं तो ये क्या करते हैं इंग्लिश मैन अपना वहाँ पे आ, कुछ आर्मी सेंड करते हैं उस आर्मी को हराते हैं और जो वहां का निजाम है निजाम कौन रहेगा इस समय हैदराबाद का सलबत जंग उसके साथ एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं उसको अपने साइड में ले लेते हैं सो so, ये क्या कर लेते हैं आर्मी अटैक करेगी राजा मुंडरी और मसूलीप्टनम को ऑक्यूपाई कर लेगी फ्रेंच आर्मी को हरा देगी और वहां से निजाम के साथ एक फेवरेबल ट्रीटी साइन करेगी खुद के फेवर में अब इसे क्या दिक्कत कहते कदाई आएगी कि देखो तो कर्नाटक से तो पहले ही जा चुके है फ्रेंच हैदराबाद में बचे थे वहां से भी खत्म और इनकी खुद की जो टेरिटरी है मतलब पौंडिचेरी और चंद्रनगर वहां और थे तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन दिन वॉज दस इन मतलब फ्रेंच का इन्फ्लुएंस ही खत्म हो गया पूरा इस बैटल के बाद

भैया ले ली भाई साहब को तो ये जीत जाएगा इसमें क्या क्या चीज होती है तो पहली चीज तो होती है इस बैटल के बाद जो बसी है कौन सा बसी वही जो हैदराबाद उसको प्रेज बना लिया जाता है पौडीचेरी को इनसे ले लिया जाता है जो इनका मेन था कैपिटल ठीक है जैन को उसके अलावा जिंजे और माहे जो मालाबार कोस्ट पे है वो भी सरेंडर कर देते हैं खुद किसको इंग्लिश को ये हुआ बैटल के बाद लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या होगा जो इनकी वॉर चल रही थी यूरोप में वो खत्म हो जाएगी तो 763 आ गया ना

अब आप इनको दोबारा कभी फोर्टिफाई नहीं करोगे ठीक है और आप सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम करोगे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये इनको बोला गया इसके लिए तैयार होगी दूसरी बात इनको बोलेगी कि भाई देखो बाकी सबको तो हम ठीक है छोड़ देंगे बट लेली को तो नहीं छोड़ेंगे इसको तो दो साल जेल में रखेंगे तो लेली को दो साल जेल में रखा गया इस बच्चे इस जो बच्चे बोल रहे हैं इस, इसके साथ क्या हुआ कि दो साल तो यहाँ रखा और जैसे ही वापस पहुंचा फ्रेंच में तो उन्होंने इसको जेल में डाला और वहीं इसको मार दिया उनको पता है इसके चक्कर में इनका पूरे जो पावर थी इंडिया में खत्म होगी तो सोचो लेली के साथ कितनी बुरी -बुरी तो थर्ड बैटल का रिजल। तो रिजल्ट ये था कि दी फ्रेंच इन ये था बैटल का रिजल्ट आसानी सर दिया आइए क्वेश्चन पे डिस्क्राइब वेरियस रीजन फॉर डिफीट फॉर फ्रेंच अगेंस्ट द इंग्लिश तब अब आपसे मेन्स का क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ आपको मेन्स में ही मिलेगा तो मैं लिख देता हूँ ये मेन्स का

फ्रेंच के अंदर उन लोगों के जो ऑटोक्रेट थे वो इतना पैसा देगा नहीं इन लोगों को तो इनके पास ना तो इतना फंडिंग होगी क्या और दूसरा उनका फोकस कहीं और भी होगा बार बार यूरोप में बैटल लड़ते रहेंगे वो सेम कार पुर्तगाल में बोली थी ठीक है पुर्तगाल वाले पॉइंट ही यहाँ पर आने वाले सारे प्लस इनकी नेवल आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा डिप्लेसिस को बुला लिया जिनका सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर था और इस रेली को भेज दिया इस रैली का बिहेवियर वैसे ही खराब था तो जो उनके खुद के सोल्जर इनके खिलाफ हो गए ठीक है तो ये सारे पॉइंट तो आपको वैसे दिमाग में आ रहे होंगे यार सर ये पॉइंट तो हो सकता है तो बिल्कुल सारे ही पॉइंट है तो चलिए देखिए पहला है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल एम्बिशन ऑफ द फ्रांस मतलब वहां जो लड़ रहे जा रहे थे यूरोप के अंदर तो ये इससे क्या हुआ इनके जो रिसोर्स है वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए तो एक्सपांस पॉलिसी ऑफ द फ्रांस कैप्ट इज परपेचुअली ट्रेप्ड इन दॉर ऑफ द यूरोप एंड डाइवर्टेड इट्स एनर्जी अवे फ्रॉम द कॉनिकल एक्विजीशन ऑन अदर हैंड इंग्लैंड डिड नॉट कोवर्ट एन इंच ऑफ द यूरोपियन टेरिटरी बट उ इट सिंगल माइंडेड मतलब इंग्लिश वालों का दिमाग यह था कि हमें बस अपनी जो कॉलोनी को बना है इनका ऐसा नहीं था अपने यूरोप में लगे पड़े थे भाई साहब नेक्स्ट इंग्लैंड में गवर्नमेंट ऑटो फ्रेंच में ऑटोक्रेटिक थी तानाशाही गवर्मेंट थी तो वही वाली बात आई सेम करप्शन जो पहले मैंने आपको बताया थाजी इंग्लैंड में ऑलिग्रेजी का मतलब है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना रखे थे और वही इसको पूरा कंट्रोल कर रहे थे नेक्स्ट डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टू कंपनीज दोनों के ऑर्गेनाइजेशन अलग था मैंने आपको बता रखा ना कि फ्रेंच दू कमी जो किंग होगा या जो भी मेजोरिटी होगा वो वो नॉमिनेट करेगा और कैसे होगा नहीं या तो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट होंगे जो इलेक्टेड होंगे जो कंपनी के इंटरेस्ट में काम करेंगे तो दोनों के ऑर्गेनाइजेशन में भी फर्क था नेक्स्ट डुप्लेसिस को वापस बुला लेते हैं डुप्लेसिस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि डिप्लोसिस जो था वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन में इतना अंधा हो गया था कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा फंडिंग खत्म खत्म होती जा रही है उनके पास आगे कैसे काम चलाएंगे तो देख ही नहीं पाए चीजों को तो ये भी कहीं ना कहीं एक, एक बट एक ही इसकी रिस्पॉसिबिली मानी जाती है कि जो इतना ज्यादा अंधा हो गया इसको समझ में नहीं आया फंडिंग तो देख लो फंडिंग है कि नहीं आपके पास और लड़े जा रहे हो लड़ जा रहे हो नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट है ये मैंने लिख दी लिखने की जरूरत तो नहीं थी बट मुझे बड़े अच्छे लगे क्योंकि शायद हो सकता है अगर कभी एग्जाम में में काम आ जाए क्या स्टेटमेंट था वी एम ने क्या बोला

कि डुपलिस गलती क्यों कि कि उसने देख भाई मद्रास में बेस बनाते हैं क्लाइव क्योंकि दिमाग लगाया उसने कहा पहुंच गया बंगाल, बंगाल पहुंचते बंगाल बिहार उड़ीसा पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया तो बहुत बड़ा रीजन इसने कंट्रोल कर लिया और बहुत बड़ी ट्रेड का जरिया भी था वहां से क्योंकि वहां से पूरा ट्रेड भी कंट्रोल होगी तो ये एक अच्छी चीज थी क्लाइव ने अपना जो फोकस था वो बंगाल में रखा और डुप्लिसिक भाई साहब मद्रास से बाहर निकल ही नहीं पाए तो इसलिए काफी प्लस पॉइंट रहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना बड़ा जो टेरिटरी इनके पास थी नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश सक्सेस इन द बंगाल अब ये तो मैंने लिखा ही है बगल में सबसे इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो जैसे ही बंगाल की जो बैटल जीती अब देखो ना इंग्लिश इनका चैप्टर कब खत्म हुआ बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो बैटल ऑफ प्लासी प्लास्टिक इतना पैसा इन लोगों के पास आया कि इनको यूरोप से अब दिक्कत क्या आ रही थी फ्रेंच के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इनको फंडिंग नहीं मिल पा रही थी यूरो, यूरोप से फ्रेंच से क्योंकि उनका उनका जो दिमाग था कहीं और लगा हुआ था इंग्लिश के साथ ही सेम प्रॉब्लम आ रही थी इनकी आर्मी तो लड़ी रही थी ना इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद पैसा मंगाना बंद कर दिया बल्कि पैसा भेजना चालू कर दिया इतना पैसा इन्होंने लूटा बंगाल से तो ऑब्वियसली बात है इनके वजह इतना पैसा इनके पास आएगा तो जरूरत ही नहीं इस पावर इनकी बढ़ती आएगी और आर्मी रिक्रूट करेंगे इंडियन सोल्जर को जो फ्रेंच आर्मी में थे जिनको कई महीनों से पेमेंट नहीं मिला था उनको लेंगे आ जाओ तुम हम तुमको पैसा देते हैं तो वो आके इनके आर्मी में भर्ती हो जाएंगे ठीक है तो ये सारा सिस्टम चलेगा इसलिए काफी ज्यादा इनको एक अपर हैंड मिल गया इस एक बैटल के बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो ये मैंने फिफ्थ पॉइंट इंपोर्टेंट और इसको ध्यान रखिएगा यही मोस्ट इम्पोर्टें पॉइंट था इनके हारने के पीछे बाकी सारे पॉइंट भी हैं

तो मैं उसके बाद वर्दास में अटैक करा तो नेवल फोर्स आ नहीं पाई इतने में ब्रिटिश नेवल फोर्सिस ने इनको खत्म कर दिया तो ये था पूरा पिक्चर यूरोपियन पावर्स के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ठीक है तो ये हमारी सारी पावर्स खत्म हो गई एक एक करके मैं जल्दी से आपको छोटा सा एक क्विक रिविजन करा देता हूँ अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो भले आप वीडियो बंद कर सकते हैं और आप अगर करना चाहते हो तो देख लीजिए तो देखिए सुनते रहिए मैं आपको फटाफट सुन अब तो आपको सिर्फ सुनना है पता ना तो सबसे पहले यूरोप में इमरजेंसी कैसे हुआ

पुर्तुग वॉइस रॉय पहला अल्फेंसो फ्रांसिस्को डी अलमेदा इसने क्या अच्छी पहला और पहले बात है फर्स्ट वॉइस रॉय दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी हुई कि मैं पूरा नेवल जीतूंगा और फोर्ट बनाया और बैटल ऑफ ड्यू लड़ी फिफ्टीन जीरो एट के अंदर इस बैटल ऑफ ड्यू में गुजरात की सल्तनत और जो फ्लीट थी उसको इन्होंने हरा दिया बट हाई इसमें अलमेदा का बेटा मारा जाता है अल्फेंसो डी अल्बू आता है ये रियल फाउंडर बोलता है इसको ये अपना हेडक्वार्टर बनाता है कोचिंग के अंदर ये पॉइंट भूलो के बार बार

इंडियन से शादी करने के लिए बोलता है सती को अबोलिश कर देता है फिर निन्नो डी कुन्ना ये क्या था मैंने बताया इसके बारे में कि ये कोचिन से हो क्वार्टर शिफ्ट करके कर देगा गोवा और गोवा को ऑफिशियल कैपिटल डिक्लेयर कर देगा फिर कार्डी सिस्टम आएगा मैंने बताया था, इसमें क्या था कि पुर्तगीज ने अपनी बोला कि काफी जगह तो अपने लिए रिजर्व कर ली पर जो जगह इनके लिए रिजर्व नहीं थे वहां अगर कोई इंडियन शिप जाना है तो उनसे इनसे पास लेना पड़ेगा बदले में इनको पैसे देने पड़ेंगे अगर वो बिना पास के चले जाते तो उनके शिप को सीज कर लेंगे ये कार्डी सिस्टम था मतलब पूरी दादागिरी चल रही इनकी हाँ कोई सौ साल तक कोई पूछने वाला नहीं था इनको फिर पुर्तुगज ने जो बॉम्बे का आइलैंड था वो किंग चार्ल्स टू को दहेज में दे दिया अपनी जो प्रिंसेस से शादी करने के लिए गोवा में ओपिनियन पोल होता नाइनटीन में गोवा को क्या बनाया गया इंडिपेंडेंट यूटी फा हेरेस जो है उसने स्टडी करी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पुर्तुग ने और इंडिया को क्या क्या दिया प्रिंटिंग प्रेस पुर्तुगज की देने तबाहकू पुर्तुगिज की देने शिप बिल्डिंग हो गया गोथिक आर्किटेक्चर हो गया इसके अलावा बाइबल को इन लोगों ने प्रिंट किया कन्नडा और मलयालम लैंग्वेज में मसोली पटना कपड़ों के लिए पट से पटसेपटना कपड़ों के लिए फेमस था मालाबार है वो स्पाइसेस कोंकण को जो है ये स्पाइसेस के लिए फेमस था है, हैदरली के टाइम में काम आ गया याद रखिए मालाबार और कोंकण को और पुर्तगीज पहले बंदे थे जो पंडिचेरी के अंदर सेटल हुए ये पॉइंट जो मैंने आपको कल बोला ये बिल्कुल सही है ठीक है मैंने कर लिया जो भी आपको मैंने भेज दिया ग्रुप के ऊपर पुर्तुग ही फर्स्ट थे जो पंडिचेरी के अंदर सेट हुए थे फिर डच पे आते हैं तो डच में जो फ्लूशिप है वो लाइटर शिप होती है पहली चीज बना इन्वेंशन किया दूसरा कार्लोज डी हॉटमेन ये पहला ट्रेवलर था जो इंडिया में आया माहौल देख के देखा बताया उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है सिक्सटीन जीरो टू के अंदर ये पहली एम एनसी वर्ल्ड की इक्कीस साल का चार्टर इशू करते हैं स्टॉक इशू करते हैं एट्टीन परसेंट डिविडेंड देते हैं और इनका मेन इंटरेस्ट जो है इंडोनेशिया में इंडोनेशिया के स्पाइस में इंडिया में नहीं था तो वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से क्योंकि ब्रिटिशर्स कब्जा करके बैठे थे ये मलाया और इंडो ब्रिटिश पुर्तगेज ये मलाया और इंडोनेशिया जाते हैं वहाँ से पुर्तगेज को भगाते हैं खुद का कब्जा स्टेबलाइज करते हैं पहली फैक्ट्री कहाँ डालते हैं मसूली पट्टनम में सिक्सटीन जीरो सिक्स के अंदर कैसे याद रखोगे कि 1602 में ये बनी चार साल के बाद पहली फैक्ट्री डाल दी उन्होंने पेटीपोली के अंदर दूसरी फैक्ट्री डालते हैं प्लस जो चंदागिरी के किंग है वहां के से एक बड़ी अच्छी ट्रीटी साइन करते हैं और अपना खुद का हेडक्वार्टर स्टेपीट में पुर्तिजक्टर का कहां था कोचिंग में इनका हेडक्वार्टर कहां पे पुलिकट के अंदर गोल्ड बेन करते हैं फगोड़ा जिसको बोलते हैं कुछ फैक्ट्रीज भी डालते हैं बट उतनी इंपोर्टेंट है नहीं फिर एक होता है एम्बुनस मास्कर्स जिसमें इंडोनेशिया के अंदर होता है ये पूछा जाता है एम्बुनस मास्कर्स किस कंट्री से ताल्लुक रखता है तो डच और इंग्लैंड इंग्लैंड के बीच में पहला जैपनीज भी आप डाल सकते हो कि नौ भी मारे गए थे और दूसरा कहा हुआ था इंडोनेशिया के अंदर हुआ था बैटल ऑफ बिदरा होता है में और डच का चैप्टर ही क्लोज कर दिया इंडिया से इंग्लिश आते हैं तो इनमें जो कंपनी बनती है उसका नाम होता है जॉन कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हंड्रेड इकतीस दिसंबर सोलह सौ स्टेबलाइज होती है मर्चेंट एडवेंचर करके इस बनती है कंपनी जॉन मिल्डन हॉल के अंडर में चौबीस डायरेक्टर होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो इसको कंट्रोल करते हैं ठीक है पहली फैक्ट्री ये लोग डालते हैं मौसलीपट्नम में दूसरी फैक्ट्री डालता है सूरत में एक सोलह सौ ग्यारह में एक सोलह सो तेरह में डियर आफ्टर जो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के पास जाते हैं रॉयल फरमान लेते हैं रॉयल फरमान को वेस्ट कोस्ट की परमिशन मिलती है बस सिर्फ वेस्ट कोस्ट की उसके बाद में सर थॉमस रो आते हैं और वो पूरे इंडिया की परमिशन ले लेते हैं लेकिन जब वेस्ट कोस्ट की उनको परमिशन मिलती है उस डिशन में जैसे ही पहली फैक्ट्री डालते हैं में उसमें इनकी बैटल होती है बैटल ऑफ सोलह होली किसी पुर्तुग्ज पुर्तुग को हरा देते हैं फिर ये सूरत में फैक्ट्री डालते हैं जहांगीर इनसे इंप्रेस भी होता है इस बात से अच्छा पहली फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया में डालते हैं वो उड़ीसा के अंदर है इनकी बात हुई नेक्स्ट आते हैं मद्रास तो मद्रास में क्या है कि मद्रास के समय सुल्तान जो कि थे सुल्तान ऑफ गोलकंडा आप मेरे हिसाब से मेरे शॉर्ट नोट को भी साथ में आप देख ही रहे होंगे ना जो मैंने आपको शॉर्ट नोट भेजे कल वो देखते रहो साथ साथ में तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे चीज़ें आपके सामने लिखी भी हो रही है मैं बोलते तो मैं नहीं हूँ तो सिक्सटीन थर्टी टू के अंदर सुल्तान ऑफ़ गोलकंडा से ये एक ट्रेड करने की एक ट्रिटी ले लेते हैं जिसमें फ्रीली ट्रेड करते हैं कोई टैक्स कहीं नहीं देना बस उनको बदले में पाँच सौ फगौड़ा देने हैं

डिप्लेस अटैक करता है सेकंड वॉर के अंदर है ना जो फर्स्ट वॉर के हमारी होती है उसके अंदर डिप्लेस फर्स्ट वॉर फर्स्ट वॉर के अंदर अटैक करता है और रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बना लेता है फिर टी साइन होती है वो सारा पैटर्न वो ही है, ये ये मद्रास येपाई करने वाला सेवन फोर्टी सिक्स में इंपोर्टेंट कर रखा जो मैंने नोट्स के अंदर आपको बताया भी था तो ये वही पॉइंट है आपको कि ये ऐसे नहीं ऐसे कुछ यहाँ याद करनी चाहिए आगे पूरा बैकग्राउंड में हो भी जाएगा तो बंगाल में पहली फैक्ट्री डालते हैं ये लोग कहाँ पर हुगली के अंदर किससे परमिशन लेते हैं सुल्तान सूजा से जॉब चार नो के नाम इंपॉर्टेंट जॉब चार ये सूतनती जो विलेज है उसको फोर्टिफाई कर लेता है

सत्रह के अंदर बंगाल की फैक्ट्री है उनको फोर्ट विलियम्स के अंडर में डाल दिया जाता है जितनी भी बंगाल की फैक्ट्री थी और इस तरह से फोर्ट विलियम बहुत बड़ा हो गया और ऑटोमेटिकली जब सारी बंगाल की फैक्ट्री इसके अंदर में आ गई तो ये बढ़ना और लोग आएंगे रुकेंगे अब रोजगार के लिए जाते हैं ना देखते हैं शहरों में लोग आते हैं क्यों गाँव से क्यों क्योंकि क्यों, वहाँ क्यों? क्यों, क्यों, पैसा मिल रहा है सेम काम यहाँ हुआ और धीरे धीरे करके बहुत बड़ी सिटी बन गया कलकत्ता और आज देख लिया कलकत्ता कितनी बड़ी सिटी बॉम्बे की कोई कहानी नहीं है क्योंकि आईलैंड ऑफ बॉम्बे को दिन खुद ने दहेज में दे दिया किंग टू को तो उसकी वैसे पिक्चर क्लोज होती है नेक्स्ट अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है 1668 के अंदर 1662 में तो दहेज में मिला बट 1668 के अंदर ये जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे था ये क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया मतलब तो किसको जो इंग्लैंड को बदले में सिर्फ इनको 10 पाउंड देने थे वो सालाना तो कितना बड़ा रेंट लिया था 10 पाउंड का रेंट लिया इन लोगों से भीग देने से

कि अपने जो भी नोट्स में लिख लो कि इस पॉइंट में कि आप फ्रॉम कस्टम ड्यूटी फ्रॉम बंगाल बट बदले में आपको देने पड़ेंगे इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड तीस हजार एनुअली आपको पे करना पड़ेगा तीस तो हजार दोगे तो आपको बंगाल से एग्जम्पन मिलेगा तो एक पॉइंट तो ये था प्लस ये और भी टेरिटोरी को अगर रेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं हैदराबाद में कोई पेमेंट नहीं देना कुछ भी नहीं देना ठीक है मद्रास में जो इनका एग्जिस्टिंग ड्यू था वो देना है सूरत में इनको सिर्फ एक बार पैसा देना कितना दस हजार रुपये सिर्फ एक बार दस हजार रुपए देना है बस तो सूरत में भी आराम से ट्रेड कर सकते हैं सब रॉयल फरमान के है तो ये सारे आपको एज इट इज याद होने चाहिए अच्छा इनके जो एक्सपोर्ट कॉमोडिटी है इंडिया में क्या है कॉटन सिल्क साल्ट पेपर ओपियम एंड शुगर मतलब स्पाइस में ट्रेड नहीं कर रहे आप दोस्तों नोटिस करो ये स्पाइस में इनका ट्रेड नहीं है क्यों नहीं है कि स्पाइस के लिए ऑलरेडी इनके पास स्पाइस आइज में मौजूद है मेन जो था वो कॉटन सिल्क साल्ट पेपर ओपियम एंड शुगर जो की ट्रेड करते थे इंडिया का देन डेंस आते हैं डेंस तो के बारे में कुछ नहीं आपको दो चीज पता है कि इनका जो ट्रेडिंग आउटपोस्ट था वो ट्रेंडकू बार में था तमिलनाडु के अंदर ट्रेंकू बार बोलो इसका अगर तंजोर भी कर सकते हो ट्रेंडकू बारंजोर कोमा तंजोर, मतलब ट्रेंडकू ब है कहां वो तंजोर के पास ही दो है तो अब इसको थोड़ा सा भी कर सकते ट्रेंकू बार कहां पर है तंजोर में तंजोर हो सकता है एग्जाम में तंजोर आ जाए फिर हम सोचा तंजोर तो था ही नहीं ट्रेंड क्यू बार तंजोर या तमिलनाडु ठीक है तो और उसके बाद क्या होता है फाइव के अंदर ये एक फेडरिक नगर एक सिटी फाउंड करता है कहां पे सीरमपुर में और सीरमपुर ही इनका बेस होता है और 1845 में ये सीरमपुर को दे देता दे है ब्रिटिशर्स को तो इनकी पिक्चर भी क्लोज सीरमपुर इनका मेन है आप देखा सीरमपुर मेन था डेनिस देन, के लिए डेनिस डेनमार्क मतलब फ्रेंच आते हैं कंपनी बनाते हैं उस कंपनी का नाम है कंपनी ओरिएटलिस्ट कंपनी का नाम था कौन फॉर्म करता कॉलबर्ट नाम इंपॉर्टेंट कॉलबर्ट लाइसेंस किससे लेते हैं किंग ल्यूज फोर्स से अच्छा पहली फैक्ट्री डालते हैं इंग्लिश का उल्टा हो जाएगा उन्होंने पहली सूरत पटना में डाली थी सेकंड सूरत ये उल्टा कर देगी पहली सूरत में दूसरी मसूली पटना में सेम कहानी यहाँ पर हो जाएगी 1667 सिक्सटी सेवन में सूरत में पहली फैक्ट्री डालेंगे दूसरी फैक्ट्री सिक्सटी नाइन में मसूली पटना में होगी ठीक है मैं ये तो बंद कर दूसरी काम ही है हाँ। इसका 1672 के अंदर फ्रांसिस मार्टिन आते हैं मतलब जो कैरन की जगह लेते हैं कैरन कौन था कैरन वो था फ्रांसिस जो सूरत के डीजी था सूरत में फैक्ट्री बनाई गई उसका डायरेक्टर जनरल था उसकी जगह पे आया था फ्रांसिस मार्टिन ये एक विलेज मिल जाती है इनको छोटा सा विलेज मिल जाता है जो बीजापुर के सुल्तान थे शेर शाही से और उस विलेज को ये डेवलप करते हैं पौंडीचेरी तो क्वेश्चन आ सकता है कि पौंडीचेरी को इन्होंने किससे लिया मतलब जो विलेज लिया जिसको इसको शेर शाह लोदी से उसी को इन्होंने डेवलप किया अच्छा फिर रिसीव साइट निय कलकत्ता उसको इन्होंने चंद्रनगर बना दिया डच स्नेस पौचेरी बट ये वापस में ट्रिटी ऑफ रेसविक होती है जो डच से वापस से ले लेते हैं इनका जो था उसको डच बीच में कब्जा कर लेते हैं बट ट्रिटी ऑफ रेसविक से इनसे डच से वापस से ले लेते हैं कर्नाटिक वार्स होती है तीन वार होती है तीन ओवर का बैकग्राउंड बता दिया बट फिर भी देख लो जो तो पहली बार का रीजन क्या था ऑस्ट्रिया वार जो स्टार्ट होती है अच्छा पहली बार का एंड किससे होता है एक्सेला चैपल से बीच में क्या होता है कि बीच में सर एक बैटल होती है बैटल ऑफ सेंट थॉमस जिसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका था जिसमें डुप्लेसिस मरदास को ऑक्यूपाई कर लेता है तो ये यहाँ तक की कहानी थी अच्छा बैटर ऑफ सेंट थॉमस में ड्यूप्लियस किससे फाइट किया अनवरुद्दीन ड्यूपलिस ने अनवरुद्दीन से फाइट किया और इस अनवरुद्दीन का सपोर्ट था ईस्ट ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी कंपनी क्योंकि याद करो ना कैसे सपोर्ट कर रहा था, कैसे, था? कैसे हो गया डिप्लेस ने रॉबर्ट क्लाइव को पकड़ लिया तो जब रॉबर्ट मद्दास पकड़ लिया तो फिर ये इन्होंने अनवरुद्दीन को बोला अनवरद्न ये डुप्लेस क्या कर रहा है आप हम तो आप ही कंट्री में काम कर रहे हैं तो इसने अनवरुद्दीन ने बोला कि भाई साहब तुम छोड़ो इनको इन्होंने मना कर दिया तो जैसे मना कर दिया तो भाई पंगा हो गया तो पंगा होगा तो लड़ेंगे ना ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मिलकर लड़ेंगे तो लिखा नहीं है तो बाई डिफॉल्ट इसमें कि नवाब अनवरुद्दीन प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी आप चाहो तो उसमें ऐड कर लो ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें शामिल थी जो हारती है नवाब अनवरुद्दीन प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी इनको हरा देते हैं फ्रेंच तो फिर सेकंड कर्नाटक वॉर होती है उसका रीजन पता ही आपको अनवरुद्दीन को अनवरुद्दीन की जगह चंदा अनवरुद्दीन को मारकर चंदा साहिब बैठ जाता है नसीर जंग को मार के जंग बैठ जाता है ठीक है तो ये पूरी पिक्चर तो मैंने आपको आज ही अच्छे से एक्सप्लेन करिए तो ये बार बार निभा बहुत बड़ा है वैसे

लेकिन अब आप, आप कोई आ, मतलब कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट काम नहीं कर आप हमारे अंडर में काम करोगे ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम करोगे बस सेकंड चीज लेली को तो हम नहीं छोड़ेंगे तो 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 दो साल जेल में रखेंगे तो ये पूरी पिक्चर हुई इसके साथ ही खत्म तो ये था पूरा आपका चैप्टर जो यूरोपियन पावर्स के बारे में था रही बात पौंडीचेरी के बारे में तो आपने मैंने कल आपको नोट्स भेजे थे पंडिचेरी के बारे में मैं आपको दोबारा से एक बार सुना था जो पौंडीचेरी का इतिहास है उसका जो बैकग्राउंड मैंने कल आपको भेजा चेक किया होगा नहीं क्या होता सुन लो का हल्का सा बैकग्राउंड क्योंकि मैंने लिखा नहीं है मैं कल लिख दूंगा उस नोट में लिख के कल आपको सामने शेयर कर दूंगा बट थोड़ा मेन मेन चीज़ बताया था पांडेरी का देखिए ये है द पीरियड स्टार्टेड विद एज दे वर द इसको थोड़ा उसमें लिख देता हूँ नोटबुक को दिखा देता हूँ थोड़ा सा ये मैंने ऑनलाइन से सर्च किया था ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा चीज देखने के बाद और काफी मुश्किल से मुझे इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स मिला जिसमें पांडिचेरी का इतिहास पता चल रहा है देखो है ना ये यहां से पढ़िए दिख रहा होगा आपको मैं क्या हूँ आप

ये ध्यान में बाकी तो आपके सामने मैंने ये सब लिखा हुआ है नोट्स पे आपको शेयर कर रखा और आपको यहाँ भी भेजा हुआ है तो मेरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है इसके क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन है ये मैं आपको नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ तो मैं चाहूंगा इनको आप सेल्फ प्रैक्टिस करें अगली क्लास में जब भी आएंगे तो हम इनको डिस्कशन कर लेंगे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके यहाँ आप उसको ठीक है